नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने नीट एक्सप्रेस बैच में लेक्चर 19 तक पढ़ लिया था। अब आता है लेक्चर 20, जो कि होगा उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले बताया गया है कि पृथ्वी पर केवल पौधे ही एक ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, यानी वे स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, बाकी जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर वे सभी इन पौधों पर अपने आहार के लिए निर्भर होते हैं और ये विषमपोषी यानी हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए शब्द को ध्यान दीजिए, कार्बनिक यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में क्या है, अगर एक लाइन में आपको बताना हो तो क्या बताओगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ही है। प्रकाश ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में पौधे बदलते हैं, इसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना ही प्रकाश संश्लेषण है, और जो कि एक क्या है, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी इसमें भौतिक विज्ञान भी जुड़ा हुआ है और रासायनिक विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। अतः कुल मिलाकर पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव ऊर्जा के लिए सूर्य पर निर्भर होते हैं, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है ना। प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग कौन करता है? पौधे, और पौधों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं कौन? प्राणी। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य ही है। अगर सूर्य नहीं होंगे तो पौधे नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे तो उनको खाने वाले जीव नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण होने के दो कारण है। एक तो ये पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है, और दूसरा वायुमंडल में ऑक्सीजन भी छोड़ता है। ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए प्राण वायु है, उसका भी भरपाई कौन करता है? पौधे करते हैं। तो दो तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि पृथ्वी पर समस्त खाद्य पदार्थों का प्राथमिक सोर्स होता है। इस अध्याय में प्रकाश संश्लेषण तथा विभिन्न प्रतिक्रियाओं के विषय में बताया गया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। देखें, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं, ऑप्शनल पूछे गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन या प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो आप क्या बताओगे? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो कि पत्तियों का हरा वर्णक होता है, प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या महत्वपूर्ण होने चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और क्लोरोफिल, ये होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग करके ये बताया गया कि आखिर ये पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग किया था जोसेफ प्रिस्टले ने, और जोसेफ प्रिस्टले ने ही 1774 में ऑक्सीजन की भी खोज की थी। ऑक्सीजन की भी खोज किए थे जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक बंद जार में एक चूहे और मोमबत्ती को रखा, तो देखा कुछ ही समय में चूहे और चूहा भी मर जाता है, मोमबत्ती भी बुझ जाती है, यानी उसका जो फ्लेम है वो बंद हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या था? तो उन्होंने बताया, जोसेफ प्रिस्टले ने बताया कि कहीं ना कहीं जलती हुई मोमबत्ती ऑक्सीजन को क्षति पहुँचाती है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की क्षति की वजह से प्राणी भी मर गया। और उसके बाद उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि अगर हम इसी बेलजार में, इसको बेलजार बोलते हैं जो शीशे का कांच है, उसमें उन्होंने एक छोटा सा पुदीना का पौधा रखा, तो उन्होंने जब पुदीने का पौधा रखा तो ना तो मोमबत्ती बुझी ना ही चूहा मरा। तो उन्होंने ये बताया कि मोमबत्ती के जलने से वायु में जो क्षति हो रही है, या जंतु के सांस लेने से वायु में जो क्षति हो रही है, उसकी पूर्ति कौन करता है? पौधे करते हैं। सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, अपना स्टेटमेंट दिया था, मैं आपको बताता हूँ। मोमबत्ती को जलने के लिए, बताइए जलने के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन आवश्यक है। आपने साइंस में पढ़ा है, क्लास टेंथ में ही पढ़ा है कि जलने, किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन के बिना कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन, मान लो यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन थे सब जलने में यूज हो गए, और जो ऑक्सीजन और भी थे वो इसके प्राणी के द्वारा यानी चूहे के द्वारा सांस लेने में ख़त्म हो गया। तो इस बेल जार के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ख़त्म हो गई, इसलिए ऑक्सीजन जब ख़त्म हो गया, जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। लेकिन जब उसी जगह पर हम पौधे को रखें तो ये देखो, ऑक्सीजन तो ये प्रयोग कर ही रहे हैं, ये भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं लेते, पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं।
तो वही बताया है जोसेफ पिछले ने कि जो जलती हुई मोमबत्ती के कारण हवा में जो क्षति होती है, चूहे के सांस लेने के दौरान जो हवा में क्षति होती है उसकी भरपाई पौधा करता है, यानी ऑक्सीजन मुक्त करता है। ठीक, हालांकि जोसेफ पिछले ने ये नहीं बताया था कि ये पौधा ही ऑक्सीजन मुक्त करता है, इसके खोज दूसरे किसी ने किया था। फिर उन्होंने देखा कि ये तीनों के तीनों सही रूप में पाए जा रहे हैं। उसके बाद दूसरे एक एक्सपेरिमेंट किया दूसरे साइंटिस्ट ने। देखो ये प्रिस्टले का स्टेटमेंट है, याद रखना, प्रिस्टले का स्टेटमेंट है जिन्होंने अपना बेल जार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करता है। कौन से वायु की? ऑक्सीजन की क्षतिपूर्ति करता है, जिन्हें सांस लेने के दौरान प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। अब नेक्स्ट जो आते हैं साइंटिस्ट जॉन इंजन हाउस, इंजन लगा था इनके अंदर, इन्होंने प्रिस्टले द्वारा निर्मित जैसे सेटअप का प्रयोग किया। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, एक बार उस सेटअप को अंधेरे में रखा और एक बार उसको सूर्य के प्रकाश में रखा। तो जब अंधेरे में रखेंगे तो बताइए पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, यानी उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। ना तो पौधा जीवित रहा, ना तो चूहा जीवित रहा, ना ही मोमबत्ती जीवित रहा। जब उसे सूर्य के प्रकाश में रखा गया तो तीनों सही सलामत थे। तो इन्होंने क्या बताया, जॉर्ज इंजन हाउस ने बताया कि ये जो भी प्रक्रिया हो रही है वो प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो तीनों चीज़ें विपरीत प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। यानी उन्होंने बताया कि जो प्राणियों द्वारा या जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा जो वायु की क्षति हो रही है उसकी भरपूर्ति पौधे प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। इससे पता लगा कि पौधों की इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। या जलती हुई मोमबत्ती या सांस लेने के दौरान प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाता है। ठीक, अब उसके बाद इंजन हाउस ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में यह भी दर्शित किया, जलीय पौधे। अब देखो इन्होंने जलीय पौधे को लिया, उन्होंने जाना कि आखिर पौधे अगर वायु को शुद्ध कर रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई वायु उसमें वो उत्सर्जित कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा वो वायु उत्सर्जित कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने वो जानने के लिए कि आखिर कौन सा वायु वो उत्सर्जित करते हैं, इसके लिए उन्होंने जलीय पौधे के साथ प्रयोग किया। जलीय पौधों को जब तेज धूप में रखा तो पौधे के जो हरे भाग हैं उनके आसपास उन्हें छोटे छोटे बुलबुले दिखाई दिए। बुलबुले किसके बनते हैं? पानी में बुलबुले किसके बनेंगे? गैस के ही तो बनते हैं। तो जबकि अंधेरे में जब उन्होंने उस पौधे को रखा तो बुलबुले नहीं बने, क्योंकि देखो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तभी ऑक्सीजन मुक्त होता है, यानी छोटे छोटे बुलबुले तब बनते हैं। जब अंधेरे में रखोगे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगा, बुलबुले नहीं बनेंगे। तो बाद में उन्होंने इस बुलबुले की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की। अतः उन्होंने बताया कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। 1854 से पहले इस तक इसकी जानकारी नहीं थी, किंतु जूलियस वॉन सैचस, अब नेक्स्ट जो आते हैं साइंटिस्ट उनका नाम है जूलियस वॉन सैचस, यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब वो क्या बनाता है, ग्लूकोज यानी शर्करा अपनाता है। ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसके बाद ये अन्य अध्ययनों से यह पता लगा कि पौधे का हरा पदार्थ जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, पर्ण हरिम, क्लोरोफिल क्या है, एक वर्णक है जो हरित लवक में पाया जाता है, जिसकी मदद से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित की जाती है। पौधों की कोशिकाओं में स्थित विशिष्ट भाग जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं में पाया जाता है। उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। ये किसने बताया था? जूलियस वॉन सैचस ने। अब आते हैं टी डब्ल्यू एंजेलमैन। देखते हैं कि एंजेलमैन क्या करते हैं, एक तो ये एंजिल है, दूसरा मैन भी है। तो रोचक प्रयोग किया उन्होंने प्रिज्म की सहायता से। अब आप प्रिज्म देखे हो कि नहीं, पहले ये बताओ, प्रिज्म देखा है आपने? आपने इस तरह से, अगर आपने आपके स्कूल में फिजिक्स के टीचर होंगे तो उन्होंने आपको एक प्रिज्म दिखाया होगा। उस प्रिज्म को जब आप सूर्य की रोशनी में रखते हो, सूर्य की रोशनी में जब आप रखते हो तो वो सूर्य की रोशनी को 7 अलग अलग वर्णों में विभाजित कर देता है। कौन कौन से? विबग्योर, पढ़े हो ना विबग्योर, विबग्योर में डिवाइड कर देता है, यानी 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश में वो विभक्त कर देता है प्रिज्म। तो ये प्रयोग किया था टी डब्ल्यू एंजेलमैन ने, प्रिज्म पर, प्रिज्म को रखकर 7 अलग अलग रंगों वाले प्रकाश किरणों में किरणों को फैलाया। और उसके बाद उन्होंने एक शैवाल पर अपना प्रयोग किया जो कि था क्लैडोफोरा। यहाँ पर ये क्लैडोफोरा का इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है कि कौन सा शैवाल प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए उपयुक्त था, तो क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा जिसे ऑक्सीबैक्टीरिया के निलंबन में गया था।
को प्रदीप्त किया गया। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता करने के लिए किया गया था। उसने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुखता लाल एवं नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्र हो गए थे। यानी बैक्टीरिया किस जगह पे? नीले और लाल क्षेत्र में, ब्लू और रेड रीजन में एकत्र हो गए थे। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का हमें पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम पता चला, यानी हमें वो लाइट पता चली कि जिसके जिस पर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये पता चला कि जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो 7 अलग अलग रंगों के जो प्रकाश किरणें हैं, उनमें से नीले प्रकाश किरण और लाल प्रकाश किरण में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। यह मोटे तौर पर क्लोरोफिल ए और बी के अवशोषण स्पेक्ट्रा से मेल खाता था। आइए, 19वीं सदी के मध्य तक प्रकाश संश्लेषण की सभी मुख्य विशेषताओं के बारे में पता चल चुका था, और ये भी पता चल चुका कि CO2 तथा पानी से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी CO2 और जल के मदद से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनता है। ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की कुल प्रतिक्रिया को आनुभाविक समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जहाँ पर CH2O क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज हो सकता है, प्रतिनिधित्व करता है। फिर उसके बाद आए ये बताने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या मुक्त होता है, ऑक्सीजन या सल्फर। तो इन्होंने ये बताया कि जो भी उस दौरान इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए यूज होता है, जैसे अगर मान लो जल यूज होता है, तो जल से जो ऑक्सीजन निकलता है तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। अब कॉर्नेलियस वैन नील ये अगले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने प्रयोग में प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील का पत्थर का काम किया। उन्होंने अध्ययन किया बैगनी और हरे बैक्टीरिया पे। उन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करता है। ठीक है, ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करता है और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कौन करता है? ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीकरणीय यौगिक कौन हो सकते हैं? जल भी हो सकता है या हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है। हर पौधों में H2O हाइड्रोजन दाता और ऑक्सीकृत होकर H2 देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, हालांकि ये सब बातें और आगे बताई जाएंगी क्लियर कट, लेकिन यहीं पर याद कर लोगे तो कुछ जाएगा नहीं। नीट में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होता है, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है ना, और जल में भी ऑक्सीजन है। तो जो नहीं जानकार होते हैं वो बोल देते हैं कि ऑक्सीजन मतलब O2 है, और देखो O2 प्रोडक्ट में निकलता है तो O2 को यहीं से रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर O नहीं है, सिंगल O है, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ से आता है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाला जो ऑक्सीजन है वो CO2 से नहीं आता, वो आता है H2O से। वही बताया गया, हाइड्रोजन दाता है और ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन देता है। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते। कौन नहीं करते? गंधक बैक्टीरिया, ये अंडरलाइन कर लीजिए। बैगनी और हरे बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन दाता होते हैं, क्योंकि ये H2S का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन दाता के रूप में वे H2S का प्रयोग करते हैं, H2O का नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वे कौन से जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते? बैगनी और हरे बैक्टीरिया। इनमें जो हाइड्रोजन दाता होता वो कौन होता है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो ऑक्सीकरण उत्पाद में के अनुसार सल्फर अथवा सल्फेट उत्पन्न करता है, ना कि ऑक्सीजन। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधे द्वारा निकाली गई जो ऑक्सीजन है वो H2O से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। बाद में यह रेडियो आइसोटोपिक के विधि से सही प्रमाणित भी हुआ, इसलिए कुल प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है वो ये है, याद कर लीजिए, 6 CO2 + 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ये पूरा समीकरण आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। आप पढ़े हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, शर्करा है। जल से निकलने वाली O2 को रेडियो आइसोटोपिक विधि द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। यह एकल क्रिया नहीं है बल्कि बहुचरणीय प्रक्रम में होता है। यानी जो सिंपल रिएक्शन आप इतनी जल्दी देख लिए ना, C6CO2 + 12H2O गिव C6H12O6 + 6H2O + 6O2, ये जितना सिंपल लग रहा है ना रिएक्शन, उतने सिंपल में ये बनता नहीं है, इसमें बहुत सारे क्रम हैं,
तो अभी आप ट्वेल्थ में तो बहुत कम बताया जा रहा है, जब आप बीएससी में जाओगे तो 3 पन्ने का पूरा रिएक्शन ही है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण बहुत ईजी है, कहाँ संपन्न होता है? क्लोरोप्लास्ट में, आपने पढ़ा ही है सेल वाले चैप्टर में। क्लोरोप्लास्ट में भी आपने रीजन पढ़ा है, एक तो ये कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी द्वि आवरण होते हैं इसके, और आपने पढ़ा है कि इस पर एक सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड से बनी होती है। बहुत सारे थैलाकॉइड ग्रुप में बनाकर क्या बनाते हैं, ग्रैना बनाते हैं। तो एक ग्रैना रीजन होती है जो थैलाकॉइड से मिलकर बनी होती है, और जो अंदर का अवकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ये दो मेन रीजन है, और दो ग्रैना को आपस में जोड़ने वाली जो जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, हरित लवक के अंतर्गत। कौन सहायता करता है, पर्णहरिम, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर। तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरी पत्तियों में तो संपन्न होती है। अच्छा ये बताओ कि क्या प्रकाश संश्लेषण केवल हरी पत्तियों में ही होती है? नहीं, याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण पौधे के समस्त हरे भागों में होती हैं। पौधों की जो पत्तियां हैं उसमें प्रमुख रूप से प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी सबसे अधिकांश मात्रा में अगर देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा पत्तियों में होता है, लेकिन उनके अन्य हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, इस बात को भी नोट कर लीजिए। पौधे के अन्य हरी भागों में भी होता है, पत्तियों में भी मेसोफिल सेल्स होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पत्तियों में जो होती हैं मेसोफिल सेल्स होती हैं, जो जिनमें सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इनमें सबसे अधिक हरित लवक पाए जाते हैं, क्योंकि हरित लवक ही जो मेन कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का, उसी के बारे में आपसे बात की जाएगी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पत्ती में वो कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें हरित लवक सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो कौन बताएंगे, मेसोफिल सेल्स। इसे पर्णमध्योतक भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पर्णमध्योतक, पर्णमध्योतक कोशिकाएं या मेसोफिल सेल्स, जिनमें अत्यधिक मात्रा में हरित लवक होते हैं। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक है वो इनकी भित्तियों के साथ संलग्न होते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक इनको प्रकाश मिल सके। बात करें हरित लवक में, तो हरित लवक एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रैना, स्ट्रोमा लैमेली और स्ट्रोमा फ्लूड होता है। आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है। ये जो आप संरचना देख रहे हैं, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसी एक को कहते हैं थैलाकॉइड। ये क्या है, एक कहलाता है थैलाकॉइड। ये आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है, यहाँ पर थैलाकॉइड का कोई वर्णन नहीं है। अब देखो, एक थैलाकॉइड ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, तो कई सारे थैलाकॉइड मिलके क्या बनाते हैं, ग्रहणा बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है एक थैलाकॉइड, दो थैलाकॉइड, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे मिलकर ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रहणा। ठीक है, और उसके बाद एक ग्रहणा दूसरे ग्रहणा से जिससे द्वारा जुड़ी होती है उसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली, और जो खाली अवकाश होता है अंदर का जो द्रव है वो स्ट्रोमा कहलाता है। इनमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। आपको पता है कि हरित लवक में राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं। कितने, 70S प्रकार के पाए जाते हैं। स्टार्च ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, और साथ ही इसमें दो लेयर होते हैं, एक आउटर और एक इनर लेयर, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, बात की जाती है कि हरित लवक एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें ग्रैना, स्ट्रोमा लैमेली और स्ट्रोमा फ्लूइड होता है। क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करती है। अब यहाँ पर देखो, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, वो दो क्रियाओं में होता है। एक होता है प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, पूछा जाता है कि कहाँ होता है लाइट रिएक्शन, और दूसरा होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अप्रकाशीय अभिक्रिया को और नाम से जाना जाता है, इसे जैव संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं, जैव संश्लेषण चरण। ठीक है, बायोसिंथेसिस फेज। तो पूछा जाता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है। तो पहले ये बस समझ लीजिए, याद कर लीजिए, अभी फिर आएगा आगे। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो होती है ग्रहणा में, और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है उस दौरान क्या बनता है, ATP बनता है, NADPH2 बनता है, और O2 रिलीज होता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है, अब देखो इसको प्रकाशीय अप्रकाशीय क्यों कहते हैं,
क्योंकि पहली जो अभिक्रिया है प्रकाशीय अभिक्रिया, इसमें प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अप्रकाशीय या डार्क रिएक्शन कौन से होते हैं? वे जिनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। और ये जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है वो प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद ATP, NADP और O2 का प्रयोग करके क्या बनाते हैं? शर्करा बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होता है? ये स्ट्रोमा में होता है। ये बात याद हुई? देखिए वही चीजें लिखी है। क्लोरोप्लास्ट में सूक्ष्म संरचना रहता है, झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके ATP और NADPH का संश्लेषण करता है, ठीक है, NADP ATP का संश्लेषण करता है। स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है जो शर्करा का निर्माण करता है। अब देखो पहला बताया गया जो पहली प्रक्रिया है वो प्रकाशीय अभिक्रिया लाइट रिएक्शन है, चूंकि अपूर्णता प्रकाश पर निर्भर करती है। पहला वाला जो है वो प्रकाश पर निर्भर करता है। दूसरी प्रक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं करती और ये प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान बने ATP और NADPH का प्रयोग करके अंधेरे में किसका निर्माण करती है? कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए इसे आप प्रकाशीय अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखें, प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक भाग लेते हैं? तो वर्णक कई प्रकार के होते हैं, मुख्य आपका यही है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल भी कोई एक प्रकार का तो होता नहीं है, क्लोरोफिल होता है A, B और भी कई टाइप के होते हैं। इनमें भी कई टाइप के होते हैं, जो 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य को ऑब्जर्व करते हैं, जो 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य को ऑब्जर्व करते हैं। अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों का अवशोषण करने वाले अलग अलग पढ़हरिम पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अब ये सब क्या होता है पता है कि नहीं, तरंग दैर्ध्य वगैरह? अब इतना डिटेल तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ा पाएंगे, रिवीजन क्लास है, तो आप लोग उम्मीद है कि फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे कि लाइट स्पेक्ट्रम क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होती हैं, अलग अलग वेवलेंथ की लाइटें होती हैं, पता है कि नहीं? थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, अब ये मत सोचना कि हम पूरा डेप्थ बताने जाएंगे यहाँ पर। देखो आपने अभी पढ़ा है कि प्रिज्म से जो लाइट गुजारी जाती है, सूर्य के प्रकाश की किरणें, तो उसमें जो 7 किरणें होती हैं विबग्योर, उनका एक क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है, जो शुरू होता है लगभग 370 नैनोमीटर से और चला जाता है 790 नैनोमीटर तक, ठीक है, नैनोमीटर तक। तो ये नैनोमीटर क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट है। 370 से शुरू होता है आपका वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू और इस तरह से चलते चलते रेड तक पहुंचता है, जो कि 700 लगभग 700 नैनोमीटर से 790 नैनोमीटर के बीच का होता है रेड। तो ये अलग अलग किरणों की वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। इन अलग अलग किरणों के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने के लिए अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक। आइए क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं तो क्या कभी आश्चर्य हुआ कि उस पौधे में पत्तियों के हरे रंग के सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे हैं? तो हरे रंग के सूक्ष्म जो अंतर होते हैं वो पढ़हरिम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर होते हैं। जिसमें ज़्यादा पढ़हरिम पाए जाते हैं वो ज़्यादा हरे रंग की दिखाई देती है, क्योंकि पत्तियों का रंग पढ़हरिम की वजह से ही हरा दिखाई देता है। हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पौधे के पढ़वर्णकों को क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से पता लगता है कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक के कारण नहीं बल्कि 4 वर्णकों के कारण होता है। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, जो कि क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला हरा दिखाई देता है, क्लोरोफिल बी जो पीला हरा होता है, जैंथोफिल जो पीला होता है, और कैरोटीनाइड जो पीले से नारंगी पीले के कारण होता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए इन ये किस प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं क्लोरोफिल ए, तो क्या बताएंगे? चमकीला अथवा नीला हरा। क्लोरोफिल बी किस प्रकार के वर्णक हैं? पीले हरे वर्णक हैं। पीला वर्णक कौन है? जैंथोफिल। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीले से नारंगी पीले के वर्णक कौन है, तो कौन बताएंगे? कैरोटीनाइड। वर्णक वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रकाश के विशिष्ट तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है। अभी मैंने बताया ना क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लाइट को एब्जॉर्व कर सकता है, क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्व कर सकता है। तो यानी वर्णक क्लोरोफिल या कोई भी वर्णक वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने की क्षमता होती है, यानी जो लाइट आती है उसमें अलग अलग जो वेवलेंथ वाली लाइट होते हैं उनको एब्जॉर्व करने की क्षमता होती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व में कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक है? तो कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक पाया जाता है? तो याद कर लीजिए वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सर्वाधिक पाया जाता है। आप स्पर्शता प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्यता एवं विबग्योर से परिचित होंगे, तो आपको फिजिक्स वगैरह में बताया हुआ होगा। चित्र को देखकर आप बता सकते हैं कि किस तरंगदैर्ध्य पर क्लोरोफिल ए अधिकतम अवशोषण करेगा। अब बताइए
यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है, पूछ रहे हैं क्लोरोफिल एक किस तरंग दैर्ध्य पर सबसे ज्यादा अवशोषण करेगा। चलो यहाँ देखो नीचे वाले में, यहाँ पर देखिए वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया गया है। मैंने बताया था जो दृश्य प्रकाश होता है यानी विजिबल स्पेक्ट्रम, वो स्टार्ट होता है लगभग 360-370 नैनोमीटर से लेकर लगभग 780-790 नैनोमीटर तक का होता है। यहाँ पर आपको लगभग 360 से दिया गया है, 360 से दिया गया है। यहाँ पर आपका 400 मार्क है और फिर 30 और उसके बाद 40 और इसके बाद यहाँ पर 500 से 600 फिर 700 तक मैक्स होता है, जो कि आपका रेड कलर का होता है। जो ब्लू कलर होता है वो यहाँ आसपास होता है, 360 के बाद और लगभग 450 के बीच, या हम कह सकते हैं 380 नैनोमीटर, मान लो 380 नैनोमीटर से 420 नैनोमीटर तक का मान लो, और इसे आप मानोगे 640 से 670 नैनोमीटर, ठीक। ये आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया गया है और साथ ही ये आपको क्लोरोफिल ए के द्वारा प्रकाश संश्लेषण दिखाया गया है, ये अब्सॉर्प्शन है, और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। इस वाले फिगर को मन में बिठा लीजिए। अब यहां पर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपको बताना है कि तरंगदैर्ध्य पर, किस तरंगदैर्ध्य पर क्लोरोफिल ए का अधिकतम अवशोषण होगा। तो अवशोषण बताना है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए कौन है, ये है ब्लू वाले, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 380 नैनोमीटर से लगभग, और ये कहाँ तक जाएगा, मैंने आपको बताया था कि ये होगा करीब, ये किस जगह पर पीक जाएगा, यहाँ पर 400 दिया गया है ना, तो ये लगभग 440 तक मान लेते हैं। तो 300 से 440 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ पर देखिए सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्लोरोफिल ए के माध्यम से, और दूसरा यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है ग्राफ में, तो ये रीजन कहाँ पर है, 700 और ये 600 और 700 के बीच में मान सकते हैं 640 से लेकर 670 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ ऑफ लाइट में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है क्लोरोफिल ए के द्वारा, ठीक है। तो आप क्या पूछ रहे हैं कि किस तरंगदैर्ध्य पर क्लोरोफिल ए का अधिकतम अवशोषण होगा, तो आप बता सकते हैं 380 से 440 नैनोमीटर तक के वेवलेंथ ऑफ लाइट में और 640 से 670 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट के। या किसी अन्य तरंगदैर्ध्य पर कोई विशिष्ट अवशोषण चोटी दिखाते हैं, यदि हाँ तो वे कौन, तो इनके मिडिल में जो भी आप विशिष्ट चोटी देख रहे हैं, चोटी कहाँ पर पड़ रही है, ये लगभग आप बता सकते हैं कि 660 नैनोमीटर पर सबसे पीक पर होते हैं, और यहाँ पर भी बता सकते हैं आप 430 नैनोमीटर पर सबसे पीक पर होते हैं। फिर कह रहे हैं अब आप चित्र को देखें जिसमें उन तरंगदैर्ध्यों को दिखाया गया जहाँ पर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण इन्हीं पर होगा और इन पर भी होगा जो क्लोरोफिल बी के माध्यम से हो रहा है। उसके बाद तथा हाँ, अब क्या आप देख रहे हैं कि तरंगदैर्ध्य क्लोरोफिल ए अर्थात नीला तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है। देखो क्लोरोफिल ए तो आपको मैंने अभी बताया था विबग्योर के बारे में, विबग्योर जिसमें वायलेट से शुरू होता है लगभग 360 नैनोमीटर से, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। ब्लू आपका आता है लगभग 380 से 440 नैनोमीटर के बीच में। तो जो 380 से 440 नैनोमीटर के बीच जो भी क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन कर रहा है, यानी किस रेंज में कर रहा है, ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा कर रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें 600 से 700 के बीच में, तो 600 से 700 का जो बीच का रेंज होता है लाइट का, नैनोमीटर लाइट का, वो किसका होता है, रेड का होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफिल ए सबसे अधिकतम लाइट का एब्जॉर्प्शन किस प्रकाश तरंगदैर्ध्य में करता है, तो ब्लू, नीले और लाल प्रकाश तरंगदैर्ध्य में सबसे अधिक करता है क्लोरोफिल ए।
उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिकतम होगी। ठीक है, इस क्षेत्र में आप अगर देखेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी अधिकतम दिखाया गया है, अपने एनसीईआरटी फिगर में देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर पूरा आ नहीं रहा है। फिर कह रहे हैं अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख वर्णक है। सही बात है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ये एक प्रमुख वर्णक है। लेकिन आगे देखिए, लेकिन हम अगर हम साफ फिगर देखें यानी सबसे आखिरी वाला फिगर देखें तो आप कह सकते हैं, देखो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन है। ये ग्राफ बता रहे हैं कि एक साथ ये बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले। अच्छा पहले ये वाला देख लो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन है। ये कह रहे हैं नहीं, मतलब कि ये कह रहे हैं कि क्या जो क्लोरोफिल ए को आप देख रहे हो इसका जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है वो प्रकाश संश्लेषण के जो रेट ऑफ रिएक्शन है उससे एकदम बराबर सिमिलर दिखा रहे हैं, यानी परस्पर व्यापन है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो आप कहोगे नहीं, दोनों व्यापन नहीं है, क्योंकि देखिए जब क्लोरोफिल ए यहाँ पर पीक पर है, चलो ठीक है फोटोसिंथेसिस भी हाई हो रहा है, लेकिन जब क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन नील है तब भी तो यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए पर ही डिपेंड होता तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी नीचे जाता, लेकिन नीचे नहीं आया है, कहाँ आया है ऊपर की तरफ, फिर धीरे धीरे नीचे घटा और एकदम नीचे तब भी नहीं जा रहा है, फिर देखिए बढ़ रहा है। तो यानी इतने जगहों पर प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल ए तो नहीं है, यानी क्लोरोफिल ए नहीं है तो कौन होगा, बी होंगे, जैंथोफिल होंगे या कैरोटीनाइड होंगे, अन्य जो वर्णक आपको बताए गए हैं वो इन फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, इस प्रकाश संश्लेषण की दर सिर्फ क्लोरोफिल ए पर डिपेंड नहीं करती, क्लोरोफिल ए के अलावा अन्य वर्णक भी प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। एक साथ ये बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम नीले और लाल क्षेत्र में संपन्न होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा कहाँ होता है, नीले और लाल क्षेत्र के प्रकाश में होता है, और कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंग दैर्ध्यों में भी संपन्न होती है। आइए देखें कि ये कैसे होता है। यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है, फिर भी अन्य थैलाकॉइड में वर्णक जैसे क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनाइड जिन्हें हम सहायक वर्णक कहते हैं वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा उत्सर्जित अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित कर देते हैं। वास्तव में ये वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाले उपयोगी तरंग दैर्ध्य के क्षेत्र को बढ़ाते बल्कि क्लोरोफिल ए पर फोटोऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। आइए आप देखते हैं कि प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है। तो प्रकाश अभिक्रिया में जो जिसे हम प्रकाश रसायन चरण भी कहते हैं, फोटो केमिकल फेज भी कहते हैं, इसमें प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा रसायन माध्यमों को जैसे ATP NADPH का निर्माण शामिल है। यानी प्रकाशीय अभिक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो प्रकाश का अवशोषण, जल का विघटन, ऑक्सीजन का निष्कर्षण और ATP और NADPH का निर्माण। ये चार चरण याद कर दीजिए, चार चीज़ें होती हैं प्रकाश अभिक्रिया में। एक तो प्रकाश का अवशोषण होता है, उसी के दौरान जल का विघटन होता है और फिर ऑक्सीजन विमुक्त होती है और ATP NADPH का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सम्मिलित होते हैं। यहाँ वर्णक दो सुस्पष्ट प्रकाश रसायन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिन्हें फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड कहते हैं में गठित होता है। अब आइए समझिए कि LHC क्या होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड क्या होता है, इसको समझिए। देखिए मुख्य वर्णक कौन है, मुख्य वर्णक आपका क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए ये आपका मुख्य वर्णक है। ठीक है, और इसके आसपास पाए जाने वाले अन्य वर्णक भी सहायक होते हैं फोटोसिंथेसिस में। वे वर्णक कौन कौन से हैं, आपने पढ़ा अभी, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनाइड, जैंथोफिल, ये सभी होते हैं। मान लो ये कैरोटीनाइड है, ये जैंथोफिल है, ये क्लोरोफिल बी है। अलग अलग जो क्लोरोफिल होते हैं उनकी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो भी अलग अलग होती है। मान लो क्लोरोफिल बी है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है 660 नैनोमीटर वाले लाइट को। मान लो क्लोरोफिल बी है
ये ऑब्जर्व कर रहा है 630 नैनोमीटर लाइट को, ए है मान लो 600 नैनोमीटर लाइट को ऑब्जर्व कर रहा, ठीक है, ए है मान लो 620 नैनोमीटर। तो अलग अलग तरंगदैर्ध्य वाली किरणों को अवशोषित करने के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्णक क्या करते हैं, देखिए ये कहलाते हैं सहायक वर्णक। क्या कहलाते हैं? सहायक। जो मुख्य होता है वो है आपका क्लोरोफिल ए। तो ये वर्णक क्या करते हैं, जितने भी प्रकाश की किरणें इन पर पड़ती हैं ये सारी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके, सभी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके कहाँ भेजती हैं, सम्मिलित रूप से भेजती हैं क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए के पास प्रकाश ऊर्जा जो फोटॉन के रूप में होती है वो पहुंचती है इन सहायक वर्णकों के माध्यम से, साथ ही साथ क्लोरोफिल ए पर भी अपने प्रकाश किरणें पहुंचती हैं। यही कहलाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड क्या है, देखिए फोटोसिस्टम फर्स्ट यानी PS फर्स्ट, PS सेकंड, ये नाम इनके खोज के आधार पर दिया गया था। हालांकि अभी आप जब प्रोसेस पढ़ेंगे तब लगेगा उल्टा है, PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट में जाता है। अब चूंकि खोज पहले की गई थी फोटोसिस्टम फर्स्ट की जो कि सेकंड होना चाहिए, तो इसलिए इसे PS फर्स्ट ही नाम दिया गया है। क्या अंतर है PS फर्स्ट और PS सेकंड में? देखो PS चाहे फोटोसिस्टम कोई भी हो, PS फर्स्ट हो चाहे PS सेकंड, ऐसे ही सारे वर्णक मिलेंगे व्यवस्थित। अंतर सिर्फ एक है वो ये, अगर हम PS फर्स्ट की बात करें तो इसमें जो PS फर्स्ट है जो आपका ये क्या कहलाता है, रिएक्शन सेंटर, अभिक्रिया केंद्र, ये आपका रिएक्शन सेंटर कहलाता है, ये आपके सहायक वर्णक है जो प्रकाश ऊर्जा को इनके पास भेजते हैं। तो PS फर्स्ट में जो क्लोरोफिल ए होता है वो 700 नैनोमीटर वाले तरंगदैर्ध्य का किरणों को अवशोषित करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं P700, ठीक है, ये कहलाता है PS फर्स्ट। यानी PS फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर कौन होता है, P700 यानी क्लोरोफिल ए, ऐसा क्लोरोफिल ए जो 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के किरणों का अवशोषण करता है। PS सेकंड में कौन होता है, देखो सब कुछ वैसे ही होंगे, क्लोरोफिल ए मुख्य वर्णक होगा, रिएक्शन सेंटर, इसके आसपास सहायक वर्णक पाए जाएंगे। PS फर्स्ट सेकंड की बात की जाए तो PS सेकंड में जो क्लोरोफिल ए होता है वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हम इसे P680 भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि PS सेकंड में रिएक्शन सेंटर कौन होता है, तो PS सेकंड में रिएक्शन सेंटर P680 होता है, यानी वो क्लोरोफिल ए जो 680 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के लाइट को अब्जॉर्ब करता है। ये बात समझ में आई कि ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, PS फर्स्ट और PS सेकंड क्या होता है, ठीक, यही अंतर है PS फर्स्ट और PS सेकंड में। उसके बाद देखिए LHC प्रोटीन से आबद्ध हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं, अभी बताया ना LHC क्या होते हैं, हजारों वर्णक अणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक मुख्य होता है रिएक्शन सेंटर, मान लो कि अगर PS फर्स्ट है तो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर P700 होगा, और हजारों ऐसे वर्णक उसके चारों तरफ पाए जाते हैं, ये बनाते हैं फोटोसिस्टम, जिसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। प्रत्येक फोटोसिस्टम में सभी वर्णक होते हैं सिवाय क्लोरोफिल ए के अणु के, यानी क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होता है तथा LHC का निर्माण करते हैं, जिन्हें एंटीनी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एंटीनी कहते हैं, ये सब एंटीनी कहलाते हैं। एंटीना, साफ बात आपको बता दें कि जैसे आपके घर में रिएक्शन सेंटर क्या है, TV है। जब पुराने जमानों में जब इस तरह से एंटीना आता था, देखा है आपने इस तरह से एंटीना लगा होता था ना, तो एंटीना क्या करता था, सिग्नल को रिसीव करके एक रिएक्शन सेंटर TV को देता था, है ना, वैसे ही इसीलिए इसको एंटीना कहा गया है। यानी ये बहुत सारे प्रकाश किरणों को अवशोषित करके किसको भेजते हैं, रिएक्शन सेंटर P700 को, तो एंटीनी कहलाते हैं। सहायक वर्णक क्या कहलाते हैं, एंटीनी कहलाते हैं। ये वर्णक विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण को अधिक दक्ष बनाते हैं। क्लोरोफिल ए का अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र यानी रिएक्शन सेंटर बनाता है। रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है, क्लोरोफिल ए या बी या जैंथोफिल या कैरोटीनाइड, तो कौन, क्लोरोफिल ए। PS फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है,
P700 यानी क्लोरोफिल ए 700, PS सेकंड में कौन बनाता है P680। दोनों फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर पृथक होते हैं। PS फर्स्ट में देखिए रिएक्शन सेंटर क्या कहलाता है, P700, क्योंकि ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब करता है। PS सेकंड में इसका अवशोषण कितना होता है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट का अवशोषण करता है, इसलिए P680 कहलाता है। अब देखिए ये आपका बताए हैं रिएक्शन सेंटर, यानी मान लो कि ये P700 है, ये जितने हैं ये सब सहायक अणु हैं जो फोटॉन को यानी प्रकाश ऊर्जा जो फोटॉन के रूप में चलती है उसको सभी एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजते हैं, P700 पे। ये आपका कहलाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC। अगर आपसे कोई पूछे कि LHC किससे मिलकर बना होता है तो क्या बताएंगे, वर्णकों से मिलकर बना होता है, जिनमें एक रिएक्शन सेंटर अभिक्रिया केंद्र होता है, क्लोरोफिल है, बाकी सहायक। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन परिवहन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये प्रकाशीय अभिक्रिया के चरण हैं। अभी जो पढ़ रहे हो ना, मैंने आपको क्या बताया था, प्रकाश संश्लेषण के दो चरण होते हैं, एक होता है प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरा होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी ये लाइट रिएक्शन है और ये डार्क रिएक्शन है। आपने पढ़ा कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रैना में, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। तो अभी वही चीज़ आपको बताई जा रही है, अभी प्रकाश अभिक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण, अवशोषण हो गया, अब क्या आता है, जल का विघटन। अब जल का विघटन तो तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का प्रयोग होगा, तो वही इलेक्ट्रॉन का प्रयोग दिखाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे कहते हैं। चलिए फिगर में सीधे हम समझाते हैं, होता क्या है, जब सभी एंटीनी अणुएं प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके P680 को देती हैं, P680 है मतलब क्या है, PS सेकंड, और ये P700 है क्या कहलाता है, PS फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया शुरू होती है वो PS सेकंड से शुरू होती है। जब लाइट P680 पर पड़ता है तो ये एक्साइट हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ये भेज देता है, देखो ये एक्साइटेड स्टेज में यानी स्टार बना हुआ है, एक्साइट हो जाता है, यह अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है एक इलेक्ट्रॉन ग्राही को। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन कौन है, देखिए NCERT में दिया नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल आपको बता दे रहा हूँ, वो NCERT का फिगर है। इलेक्ट्रॉन ग्राही जो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है PS सेकंड से, वो होता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोक्यूनोन बी पर, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पर। अब माना जाता है कि जब ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो उसी दौरान ADP से ATP का निर्माण हो जाता है। प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या आपने पढ़ा है, यही तो पढ़ा है, प्रकाश का अवशोषण, जल का विघटन, अभी बता रहे हैं इसको जल के विघटन को, दूसरा ऑक्सीजन की विमुक्ति, वो भी अभी बता रहे हैं, और चौथा आपने क्या पढ़ा, ATP NADPH का निर्माण। तो देखिए ATP तो बन गया यहाँ पर, अब NADPH का निर्माण कैसे होता है, जो इलेक्ट्रॉन B6F कॉम्प्लेक्स पे पहुंचता है वो इलेक्ट्रॉन फिर जाता है प्लास्टोसाइनिन पर, प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन जाता है PS फर्स्ट पर, फोटोसिस्टम फर्स्ट। जब अब देखो PS फर्स्ट पर जो PS फर्स्ट पर भी जब लाइट पड़ती है, चूंकि ये भी क्लोरोफिल है ना, तो ये भी एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होकर अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, A0, A1, और फिर आयरन सल्फर प्रोटीन, और फिर फेराडॉक्सिन, और यहाँ पर जब पहुँचता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, NADP+ को अपचयित कर देता है, जिससे क्या बनता है, NADPH2। तो यही चार चीज़ें आपकी होनी चाहिए, प्रकाश की अभिक्रिया, प्रकाश अवशोषण हो गया, ADP का निर्माण हो गया, NADPH का निर्माण हो गया, अब क्या बचता है, ऑक्सीजन की विमुक्ति, जल का विघटन। ध्यान से समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन P680 से चला जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन करता है, इसके इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन करता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन चला गया है इसके इलेक्ट्रॉन की भरपाई के लिए ही क्या होता है, जल का फोटोलाइसिस, जल विघटन होता है, यानी H2O स्प्लिट होता है O2 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन में, यहीं से ये इलेक्ट्रॉन की भरपाई होती है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाता है इसको। अब ये इलेक्ट्रॉन मिल जाता है फिर अपना आगे इस तरह से ट्रांसफर करता है,
चूंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन, अब ये इस पर भी जब लाइट पड़ता है तो ये एक्साइट होकर अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की भरपूर्ति कहाँ से हो रहा है, जो यहाँ से आता है उससे इसके इलेक्ट्रॉन की भरपूर्ति होता है। यानी जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, जल का विघटन कहाँ होता है, पीएस सेकंड के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर जल का विघटन होता है जिससे चार इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन P680 या पीएस सेकंड को प्राप्त होता है। जल के अपघटन के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है जो प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद है, ठीक है, पहला उत्पाद। यही ऑक्सीजन पत्तियां विमुक्त कर देती हैं वातावरण में, इसी प्रकार से वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। ये बात समझ में आई, ये आपका प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए बताया गया है कि पीएस सेकंड में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वाले लाल प्रकाश को अवशोषित करता है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर परमाणु नाभिक से चला जाता है, यानी पीएस सेकंड से चला जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है, कौन लेता है, सबसे पहले फियोफाइटिन लेता है और फिर वो ETS में चला जाता है, फिर साइटोक्रोम से होते हुए कहाँ पहुँचा दिया जाता है, साइटोक्रोम में पहुँचा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की गतिविधि जो होती है वो अधोगामी होती है, डाउनहिल होती है, जो ऑक्सीकरण अपचयन या रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के रूप में होता है। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते तब उनका उपयोग नहीं होता बल्कि कहाँ चला जाता है, पीएस फर्स्ट को दे दिया जाता है। पीएस सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका कोई उपभोग रास्ते में नहीं होता, कहाँ चला जाता है, वो पीएस फर्स्ट में चला जाता है। बस इतना मानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से होकर गुजरता है तो मानते हैं कि ADP से ATP का निर्माण होता है। इसके साथ ही पीएस फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र भी इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है ग्राही अणु को, ठीक है, यह भी अधोगामी गति करता है परंतु इस बार भी ऊर्जा से प्रचुर। अब देखो पीएस सेकंड से जब इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट की तरफ जाता है तो ADP से ATP का निर्माण होता है, लेकिन जब पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होकर गुजरता है तब किसका निर्माण होता है, NADP+ से NADPH2 का निर्माण होता है, NADPH+H+ का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की सारी योजना कहाँ से शुरू होती है, पीएस सेकंड से शुरू होती है और ग्राही की ओर जाती है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए पीएस फर्स्ट तक। इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना, अन्य ग्राही में स्थानांतरण और अंत में अधोगामी होकर NADP+ को अपचयित कर NADPH2 को बनने तक होती है। ये सारी योजना जो है जड़ स्कीम कहलाती है। क्यों जड़ स्कीम कहलाती है, देखो मूवमेंट जो है वो जड़ जैसी होती है, यानी P6 से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ और उसके बाद यहाँ चला फिर यह चला, बनता तो N है, अब पता नहीं इसको उल्टा करोगे तब जड़ बन जाएगा, जड़ स्कीम कहते हैं तो मानना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है जल का विघटन, तो पीएस सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन चला गया है उसकी भरपाई के लिए ही जल का विघटन होता है। आप पूछेंगे कि पीएस सेकंड के कैसे इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति निरंतर करता है, ये वे इलेक्ट्रॉन जो पीएस सेकंड में निकलते हैं उनकी जगह निश्चित ही दूसरे को लेनी चाहिए। जल अपघटन का संबंध पीएस सेकंड से है, जल H+O तथा इलेक्ट्रॉन में विघटित होता है, इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है जो प्रकाश संश्लेषण का एक शुद्ध उत्पाद है। पीएस फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। जो पीएस सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आता है जल के विघटन से, और पीएस फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो किससे आता है, पीएस सेकंड से। हमें अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए कि जल विघटन पीएस सेकंड से संबंधित है ना कि पीएस फर्स्ट से। थैलाकॉइड की झिल्ली के भीतरी ओर होता है, जल का विघटन कहाँ होता है, थैलाकॉइड की झिल्ली के भीतरी ओर होता है। तब इस दौरान बनने वाले प्रोटॉन और O2 कहाँ मुक्त होते हैं, तो अब बताओ कि जल विघटन कहाँ होता है, थैलाकॉइड की झिल्ली के भीतर, और थैलाकॉइड की झिल्ली के भीतर ही वर्णक उपस्थित है, वर्णकों को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो प्रोटॉन्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, इस वजह से जो प्रोटॉन है वो कहाँ मुक्त होंगे, झिल्लिका के भीतर वो मुक्त होते हैं। O2 का कोई उपयोग नहीं होता इसलिए वो झिल्लिका के बाहर मुक्त किए जाते हैं जहाँ से वे वातावरण में चले जाते हैं, इसका आंसर ये होगा। अब आता है चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन। ये चक्रीय और अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन किसे कहते हैं, देखो ये क्या कहलाता है, अचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन। समझना, जब पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन जाता है पीएस फर्स्ट में, पीएस फर्स्ट से वो चला जाता है एनएडीपी प्लस को अपचयित करने में, यानी जो इलेक्ट्रॉन चला गया वो वापस नहीं आता।
तो कोई चक्र नहीं बनता। इस प्रकार के फास्फोरिलेशन को कहते हैं आचक्रीय फास्फोरिलेशन, आचक्रीय फास्फोरिलेशन। बस यही याद करिए, आचक्रीय फास्फोरिलेशन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन वापस ना आए पीएस सेकंड से चले पीएस फर्स्ट से होते हुए एनएडीपीएस2 के बनाने में उपभोग कर ली जाए, तो ये आचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन है। ठीक, पूछा जाता है कि आचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में कौन कौन सहायक होता है, तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट दोनों सहायक होते हैं। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता, लेकिन तब क्या हो जब सिर्फ पीएस फर्स्ट अकेला काम करे। जब पीएस फर्स्ट अकेला काम करता है पीएस सेकंड नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं आपको भी बताया जाएगा, ग्रैना में तो दोनों होते हैं, लेकिन स्ट्रोमा लैमेली की बात की जाए तो स्ट्रोमा लैमेली में पीएस सेकंड भी नहीं होता और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम भी नहीं होता। तो इस वजह से जो स्ट्रोमा लैमेली होती है उसमें केवल पीएस फर्स्ट पाया जाता है। तो पीएस फर्स्ट अकेले इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होते हैं वो एनएडीपीएस2 के अपचयन में काम नहीं करते, वो वापस पीएस फर्स्ट पर चले आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, जब अकेला पीएस फर्स्ट काम करता है तब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते तो हैं, लेकिन वापस ईटीएस से होते हुए पीएस फर्स्ट में चले आते हैं, किसी भी एनएडीपीएच के संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होकर आते हैं इसलिए एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। क्लियर बात, ये कहलाता है चक्रीय फास्फोरिलेशन, चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन। क्यों? क्योंकि एक चक्र बन रहा है, पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन गया एक्सेप्टर के पास, ईटीएस से होता हुआ फिर वापस, फिर गया फिर वापस, तो एक चक्र बन रहा है ना। लेकिन आचक्रीय फास्फोरिलेशन में कोई इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता, एनएडीपीएच के अपचयन में काम हो जाता है, तो उसे हम आचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं, ये चक्रीय कहलाता है। इसमें कौन काम करता है? केवल पीएस फर्स्ट काम करता है। इस दौरान क्या बनता है? इस दौरान एटीपी केवल बनता है। आचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में क्या बनता है? आचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में कौन बनता है, क्या बनता है? आचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में एटीपी भी बनता है और एनएडीपीएच2 भी बनता है और O2 भी उत्सर्जित होती है। ठीक, ये सब अंतर है। तो देख लीजिए, चक्रियों में आचक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन, जीवों में ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा निकलने तथा उसे बंद ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है। विशेष पदार्थ जैसे एटीपी इस ऊर्जा को अपने रासायनिक बंध में सजोए रखते हैं। कोशिकाओं द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में एटीपी बनता है। एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को ही फास्फोरिलेशन कहते हैं। फास्फोरिलेशन क्या कहलाता है? एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया। फास्फोरिलेशन क्या कहलाता है? एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया। अब देखो, उसी चीज को बताया गया है, दो प्रकार से होती है, एक चक्रीय प्रकार से और एक अचक्रीय प्रकार से। आचक्रीय प्रकार में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों काम करते हैं, उस दौरान भी एटीपी बनता है और एनएडीपीएच2 भी बनता है। हमें एनएडीपीएच2 का भी नहीं समझना है क्योंकि हम फोटोफास्फोरिलेशन की बात कर रहे हैं, यानी एटीपी के निर्माण की। तो आचक्रीय फास्फोरिलेशन में भी एटीपी का निर्माण होता है और चक्रीय फास्फोरिलेशन में कौन काम करता है? पीएस फर्स्ट केवल काम करता है जिसमें भी एटीपी का निर्माण होता है। फोटोफास्फोरिलेशन वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में फोटोफास्फोरिलेशन, देखो फास्फोरिलेशन क्या कहलाता है? एटीपी का निर्माण। लेकिन जब इसी के आगे फोटो शब्द लग जाए तो मतलब प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी का संश्लेषण होता है। जब दो फोटो सिस्टम क्रमिक रूप से काम करते हैं, दो फोटो सिस्टम में कौन, पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट, तब यह क्या कहलाएगा? चक्रिक कहलाएगा, आचक्रिक कहलाएगा ना। देखो, जिसमें पीएस सेकंड पहले और पीएस फर्स्ट दूसरे क्रम में कार्य करे, तो इस प्रक्रिया को आचक्रिय फोटोफास्फोरिलेशन कहते हैं। ये दोनों फोटो सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन श्रृंखला से जुड़ा होता है, जिसे हम पहले भी आप लोग पढ़ चुके जेड स्कीम। एटीपी और एनएडीपीएच2 का निर्माण होता है, दोनों ही इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा संश्लेषित होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें केवल जब पीएस फर्स्ट क्रियाशील होता है तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है और इससे क्या होता है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर ईटीएस के पास, फिर ईटीएस से पीएस फर्स्ट में, फिर पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर ईटीएस, फिर पीएस फर्स्ट में, तो ये चक्र चलता रहता है। तो यह प्रभाव संभवतः कहाँ होता है? स्ट्रोमा लैमेली में होता है। देखो, अगर आपसे कोई पूछे आचक्रीय कहाँ होता है, तो आचक्रीय कहाँ होता है? ग्रैना में। अगर आपसे कोई पूछे कि चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन कहाँ होता है, तो क्या बताओगे? स्ट्रोमा लैमेली में।
क्यों? क्योंकि स्टोमा लैमेली में, देखिए स्टोमा लैमेली में ना तो पीएस सेकंड होता है और ना ही एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक, ग्रैना की झिल्ली अथवा लैमेली में पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड दोनों ही होते हैं। देखो ग्रैना में, तो ग्रैना की झिल्ली में यानी ग्रैना में आचक्री फास्फोरिलेशन होगा, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों होते हैं। जबकि स्टोमा लैमेली की बात की जाए तो इसमें पीएस सेकंड और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते हैं। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन एनएडीपी प्लस में पारित नहीं होता बल्कि वापस पीएस फर्स्ट में चला आता है, अतः यह चक्रित होता है। अतः चक्रीय प्रवाह में केवल एटीपी का संश्लेषण होता है। चक्रीय प्रवाह में किसका संश्लेषण होता है? केवल एटीपी का, एनएडीपी का नहीं होता। चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश का तरंगदैर्ध 680 नैनोमीटर से अधिक हो, क्योंकि 680 तक होगा तो पीएस सेकंड उसमें ग्रैना में काम करेगा, और 680 से ज़्यादा होगा, जब 680 से ज़्यादा होगा तभी तो पीएस फर्स्ट एक्टिवेट होगा, क्योंकि पीएस फर्स्ट को एक्टिवेट होने के लिए 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाला लाइट चाहिए। अब देखिए नीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गलत है? पीटी का लैमेली में केवल पीएस फर्स्ट होता है और एनएडीपी रिडक्टेज का अभाव होता है। गलत कथन चुनना था तो गलत यही है। स्ट्रोमा लैमेली बोला है, पीटिका लैमेली यानी स्ट्रोमा लैमेली, तो आपने अभी पढ़ा है स्ट्रोमा लैमेली में क्या नहीं होता? पीएस सेकंड नहीं होता। हाँ सही तो है, ये भी एनएडीपी रिडक्टेज का भाव होता है, ये लाइन सही है। ग्रैना लैमेली में पीएस फर्स्ट, ग्रैना लैमेली में पीएस फर्स्ट और सेकंड दोनों होते हैं, सही है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों शामिल होते हैं, गलत बात। चक्रीय फास्फोरिलेशन में केवल पीएस फर्स्ट शामिल होता है, पीएस सेकंड नहीं, यही ऑप्शन से गलत होगा, ऑप्शन सी। एटीपी और एनएडीपीएस दोनों का गैर चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन के दौरान संश्लेषण होता है, सही बात है। देखो चक्रीय के आगे गैर लगा हुआ है, गैर मतलब आचक्रीय, तो आचक्रीय के दौरान एटीपी और एनएडीपीएस दोनों का निर्माण होता है, यही ऑप्शन गलत है आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में, प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है? याद करिए प्लास्टोक्विनोन प्लास्टोसाइनिन से साइटोक्रोम, लेकिन प्लास्टोक्विनोन है ना, हाँ प्लास्टोक्विनोन प्लास्टोसाइनिन से नहीं, प्लास्टोसाइनिन तो लास्ट में आता है, प्लास्टोक्विनोन से पहले होता है फियोफाइटिन, फियोफाइटिन होता है, तो फियोफाइटिन की बात ही नहीं की है तो सीधे हम पीएस सेकंड बात कर लेते हैं। हाँ चलो पीएस सेकंड फियोफाइटिन, पीएचईओ ना, पीएचईओ फियोफाइटिन फिर पीक्यू और फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और उसके बाद प्लास्टोसाइनिन देन पीएस फर्स्ट, यही तो था, यहाँ से आपका पीएस सेकंड था। पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? फियोफाइटिन, फियोफाइटिन होगा, फिर प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6, फिर प्लास्टोसाइनिन, तो यहाँ पर फियोफाइटिन नहीं दिए गए चूँकि एनसीईआरटी में वर्डन नहीं है, शायद इसीलिए। देखो पीएस सेकंड तो दिए गए हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है? तो प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है? तो प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6 से पीएस फर्स्ट, साइटोक्रोम B6 समृद्ध से पीएस फर्स्ट, ऑप्शन बी सही होगा, ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरह से होता है, पीएस सेकंड जब उत्तेजित होते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं फियोफाइटिन को, फियोफाइटिन से जाता है प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर पीएस फर्स्ट। तो पूछ रहे हैं कि प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन पहुँच गया है तो ये अब कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम B6 से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन से पीएस फर्स्ट, तो चूंकि प्लास्टोसाइनिन का भी बात नहीं किया गया तो सीधे साइटोक्रोम B6 से क्या कहेंगे? पीएस फर्स्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट रसोपरासरणी परिकल्पना, क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे संश्लेषित होता है? इस प्रक्रम का वर्णन रसोपरासरणी परिकल्पना द्वारा कर सकते हैं। जैसे श्वसन होता है उसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का संश्लेषण झिल्लिका के आर पर प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है, अंडरलाइन कर लीजिए। रसोपरासरणी परिकल्पना क्या कहती है कि एटीपी का निर्माण झिल्लिका के आर पर प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है, जब यह प्रवणता टूटती है तब एटीपी का निर्माण होता है। यहाँ पर ये झिल्लिकाएँ थैलाकॉइड की होती हैं, यहाँ पर एक अंतर यह है कि प्रोटॉन झिल्लिका के अंदर की ओर होता है अर्थात अवकाशिका में होता है। श्वसन में प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया के अंतरा झिल्ली अवकाशिका में संचित होता है जब इलेक्ट्रॉन ईटीएस से गुजरता है, तो अभी हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं पढ़ना है,
वो नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। किन कारणों से प्रोटॉन प्रवणता झिल्ली के आर पार होती है, तो समझ लीजिए, चूंकि जल के अणु का विघटन झिल्ली का के अंदर की तरफ होता है, तो जल के अणुओं का विघटन से क्या बनता है, प्रोटॉन बनता है यानी H+ और नेसेंट ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, तो विघटन झिल्ली का के अंदर होता है, अतः जल के विघटन से उत्पन्न जो हाइड्रोजन आयन है H+ अथवा जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, थायलाकॉइड अवकाशिका में संचित होते हैं यानी ल्यूमेन के अंदर संचित होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, प्रोटॉन झिल्लिका के पार चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही जो झिल्लिका के बाहर की ओर स्थित होता है, या अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं करता बल्कि एक हाइड्रोजन वाहक को करता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय या अणु स्टोमा से एक प्रोटॉन को ले लेता है, स्टोमा से एक प्रोटॉन को ले लेता है। जब यह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्ली के भीतरी ओर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है, तब प्रोटॉन के अंदर की ओर तथा झिल्ली का अथवा झिल्ली के अवकाशिका की ओर मुक्त होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रोटॉन कुल मिलाकर झिल्ली के अंदर की तरफ ज़्यादा संचित होने लगता है। NADP रिडक्टेज एंजाइम झिल्ली के स्टोमा की ओर होता है। PS1 के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन NADP को NADPH2 में अपचयित करने के लिए आवश्यक होता है। ये प्रोटॉन स्टोमा पीठिका से ही आते हैं। देखिए ये आपका स्टोमा रीजन बाहर की तरफ और ये ल्यूमन रीजन अंदर की तरफ। अंदर आपका H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया ATP सिंथेज का अणुओं का है। तो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करता है यानी साइटोक्रोम B6F से, तो स्टोमा से प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन ल्यूमन के अंदर संचित होता रहता है। और दूसरा NADP+ से NADPH2 के निर्माण में भी हाइड्रोजन आयन चाहिए होता है जो आपका स्टोमा से लिए जाते हैं। अतः क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्टोमा में प्रोटॉन की संख्या घटती है। अब स्टोमा से एक तो हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन अंदर की तरफ भी आ रहे हैं और दूसरा NADPH से NADPH2 के निर्माण में भी भाग ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्टोमा में प्रोटॉन की संख्या घटेगी और अवकाशिका में प्रोटॉन बढ़ेगा। इस प्रकार यह थायलाकॉइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होता है और साथ ही ल्यूमन में pH भी कम हो जाता है। प्रोटॉन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोटॉन की प्रवणता टूटने पर ही ATP का संश्लेषण होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ऊर्जा मुक्त होती है, यह प्रवणता इसलिए भंग होती है क्योंकि प्रोटॉन झिल्लिका में मौजूद जो ATP सिंथेज एंजाइम है जिसके दो भाग होते हैं, एक F0 और एक F1, तो पारगमन वाहिका के माध्यम से स्टोमा में गतिशील होता है। ठीक है, ATP सिंथेज में दो भाग होते हैं, F0 जो झिल्लिका में अंतः स्थापित होता है, देखिए झिल्लिका में अंदर की तरफ स्थापित होता है, ये F0 है जो झिल्लिका के अंदर की तरफ स्थापित होता है और एक होता है F1। ठीक, तो F0 जो होता है अंदर की तरफ स्थापित होता है, एक पारगमन झिल्ली का चैनल की रचना करता है जो कि झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन के विसरण को बढ़ाते हैं यानी झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन के आने जाने का मार्ग बनाते हैं। इसका दूसरा भाग जो F1 कहलाता है और थैलाकॉइड की बाहरी सतह पर, F1 कहाँ होता है, थैलाकॉइड के बाहरी सतह पर स्ट्रोमा की ओर होता है, उर्द के रूप में स्थित होता है, प्रवणता का भंजन प्राप्त ऊर्जा प्रदान करता है जिसके कारण ATP सिंथेज के कण F1 में संरूपण परिवर्तन आता है जिससे कि एंजाइम ऊर्जा से प्रचुर ATP का संश्लेषण कर सके। रसोप्रासरणी के लिए एक झिल्लिका, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन प्रवर्ता तथा ATP सिंथेज की आवश्यकता होती है। अंडरलाइन कर लीजिए, रसोप्रासरण के लिए किसकी आवश्यकता होगी, एक झिल्लिका की, प्रोटॉन पंप की, प्रोटॉन प्रवर्ता की और ATP सिंथेज की। प्रोटॉन को एक झिल्लिका के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है, ठीक, जिससे थैलाकॉइड ल्यूमन में एक प्रवर्ता अथवा प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। थैलाकॉइड ल्यूमन में प्रोटॉन उच्च सांद्रता में पैदा हो सके। ATP सिंथेज के पास एक चैनल अथवा नलिका होता है जो झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन का विस्तरण का अवसर देता है या ATP सिंथेज एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है जो ATP संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पादित जो NADPH2 के साथ ATP भी स्ट्रोमा में संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण में तुरंत उपयोग कर लिए जाते हैं जो CO2 के स्थिरण और शर्करा के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यानी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से जो उत्पन्न हुआ है NADPH2 चाहे ATP, इनका तुरंत उपयोग होता है CO2 के स्थिरीकरण में
यानी दूसरा जो प्रक्रिया है। आपने प्रकाश अभिक्रिया पढ़ लिया, अब आता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया में NADPH2 और ATP का निर्माण होता है, हो गया। अब इसका प्रयोग होगा अप्रकाशीय अभिक्रिया में, जो कि होगा स्ट्रोमा में। ATP और NADPH कहाँ उपयोग होते हैं, कहाँ उपयोग होते हैं? अप्रकाशीय अभिक्रिया में शर्करा निर्माण के दौरान। प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद हैं ATP, NADPH, H2O2। इनमें से O2 क्लोरोप्लास्ट के बाहर विसरित हो जाते हैं। अब O2 का कोई कहीं नामो निशान नहीं होगा, जो होगा ATP और NADPH2 का। जबकि ATP और NADPH2 का उपयोग आहार अथवा शर्करा के संश्लेषण में होता है। यह प्रकाश संश्लेषण या जैव संश्लेषण चरण होता है। यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से किस पर निर्भर होती है? प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है, क्योंकि अप्रकाशीय अभिक्रिया है, डार्क रिएक्शन, जिसे हम जैव संश्लेषण चरण भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया, जैव संश्लेषण चरण को और किस नाम से जाना जाता है, प्रकाश अभिक्रिया या अप्रकाशीय अभिक्रिया? तो क्या बताएंगे? अप्रकाशीय अभिक्रिया। बल्कि प्रकाश की प्रक्रियाओं के उत्पाद हो, देखो जो जैव संश्लेषण चरण है या अप्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रकाश अभिक्रिया के दौरान बने जो उत्पाद हैं ATP, NADPH2, उन पर निर्भर करता है। और उसके अतिरिक्त CO2 और H2O पर निर्भर करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश उपलब्ध ना होने के तुरंत बाद कुछ समय तक के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहती है और इसके बाद बंद हो जाती है। यानी प्रकाश जब उपलब्ध नहीं होता तब यह प्रक्रिया जारी होती है और इसके बाद फिर बंद हो जाता है, जब शर्करा बन जाती है। यदि इसके बाद पुनः प्रकाश उपलब्ध होता है तो संश्लेषण पुनः आरंभ हो जाता है। क्योंकि प्रकाश जैसे ही मिलेगा तो प्रकाशीय अभिक्रिया होगी। प्रकाशीय अभिक्रिया में जो ATP और NADPH होंगे तुरंत उसका उपयोग हो जाता है जैव संश्लेषण चरण में। प्रकाश नहीं होगा तो फिर वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी। जैसे ही प्रकाश फिर मिलेगा फिर से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैव संश्लेषण चरण में ATP और NADPH का उपयोग कैसे होता है, यही समझना है आपको। हम पहले देख चुके हैं कि H2O के साथ CO2 के मिलने से CH2ON यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। या वैज्ञानिकों की रुचि थी कि उन्होंने यह खोजा कि वह प्रतिक्रिया कैसे संपन्न होती है, अथवा जाना कि CO2 की प्रतिक्रिया में आने से तथा यौगिक होने से पहला उत्पाद कौन बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद लाभदायी उपयोग हेतु रेडियो आइसोटोपिक का उपयोग किया गया। इस उपयोग में मेल्विन केल्विन का कार्य सराहनीय था। उन्होंने सहवाल में रेडियो एक्टिव कार्बन-14 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में किया। किसमें किया था? सहवाल में, जिससे पता लगा कि CO2 यौगिकीकरण का पहला उत्पाद एक 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। ये मेल्विन केल्विन ने खोजा था। इसके साथ ही उसने संपूर्ण जैव संश्लेषण की पथ की खोज की, अतः इसे हम केल्विन चक्र कहते हैं। देखो जो सबसे पहले खोजा गया कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रथम जो कार्बनिक अम्ल बनता है या पहला उत्पाद जो बनता है वो क्या होता है, ये सबसे पहले जो खोजा गया था वो खोजा गया था 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन मैं आपको बता दूं, दो तरीके के पौधे होते हैं, एक C3 होता है और एक C4 होता है। C3 जो पौधे होते हैं सामान्य आवास में पाए जाते हैं, C4 जो पौधा होता है वो शुष्क क्षेत्रों पर पाए जाते हैं जहाँ पर जल की थोड़ी कमी होती है, जैसे आपका मक्का, सारगम और क्या कहते हैं गन्ना, ये सभी C4 प्लांट हैं। तो C4 प्लांट में देखो जो केल्विन ने खोजा था अपने प्रयोग में कि प्रकाश संश्लेषण में पहला स्थायी उत्पाद कौन बनता है, तो वो था 3PGA। लेकिन 3PGA का निर्माण C3 पौधों में होता है। C4 पौधों में जो पहला उत्पाद प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है वो AAA होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, याद कर लीजिए। C3 पौधों में 3PGA बनता है, ठीक है, और C4 पौधों में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब पूछ रहे हैं कि 3PGA में कितने कार्बन, तो यहाँ पर लिखा है ये 3 कार्बन वाला था। कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 3 कार्बन। वैज्ञानिकों ने जानने का यह भी प्रयत्न किया कि क्या सभी पौधे CO2 यौगिकीकरण के बाद PGA ही बनाते हैं। तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि वैज्ञानिक अभी खोजना शुरू किए कि क्या सभी पौधे पहले PGA ही बनाते हैं, तो पाया कि नहीं, कुछ C4 पौधे हैं जो OAA बनाते हैं, अभी बताया जाएगा, अथवा फिर अन्य पौधों में कोई अन्य उत्पाद। बहुत सारे पौधों में व्यापक रूप से अध्ययन किया गया जहां पर CO2 के यौगिकीकरण का पहला उत्पाद पुनः एक कार्बनिक अम्ल था जिसमें कार्बन के 4 परमाणु थे। देखिए अभी जो खोजा गया था वो क्या खोजा गया था, 3PGA, जिसमें कार्बन के कितने परमाणु थे, 3 कार्बन परमाणु।
अब खोजा गया एक और जिसमें पाया गया कि ऐसा अम्ल बना जिसमें चार परमाणु हैं कार्बन के, वो अम्ल था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या OAA। तो जिन पौधों में प्रथम उत्पाद OAA होता है वो कौन होते हैं, C4 और C3 में 3PGA। तब से प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के सांगीकरण को दो मुख्य विधियों से बताया गया। जिन पौधों में CO2 का यौगीकरण का पहला उत्पाद 3PGA था उसे C3 कहते हैं, C3 पथ कहते हैं, और जिनका पहला उत्पाद C4 अम्ल यानी OAA है उसे C4 पथ कहते हैं। यानी जो केल्विन चक्र आपको बताया जाएगा वो C3 पौधों में C3 पथ कहलाएगा और C4 पौधों में C4 पथ कहलाएगा। इन दोनों समूहों के पौधों में कुछ अन्य अभिलक्षण भी होते हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। CO2 के प्रथम ग्राही कौन होते हैं, प्राथमिक ग्राही, क्योंकि जो CO2 एब्जॉर्ब की जाती है सबसे पहले उसे कौन पकड़ता है, कहने का मतलब ये उस अणु में कितने कार्बन परमाणु हैं जो CO2 को ग्राहक के बाद 3 कार्बन यानी 3PGA में बदलता है। ऐसा तो है नहीं कि CO2 से सीधे फास्फोग्लाइसरिक एसिड यानी PGA बन जाए, पहले CO2 को कोई CO2 किसी अन्य के साथ पहले बंधेगा। तो वही उत्पाद वही यौगिक जानना चाहते हैं कि प्रथम यौगिक कौन है जो CO2 के साथ ग्राही बनता है। तो अध्ययनों से पता लगा कि ग्राही अणु एक 5 कार्बन वाला कीटो सुगर है, 5 कार्बन वाला, इससे यह राइबुलोज 1,5-बिस फास्फेट या RUBP कहलाता है, RUBP याद कर लीजिए। CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है, CO2 का प्राथमिक ग्राही है RUBP, राइबुलोज 1,5-बिस फास्फेट, पूरा नाम याद करिएगा। चूंकि पहला उत्पाद C3 अम्ल था अतः प्राथमिक ग्राही 2 कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक। अब आइए केल्विन चक्र के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम C3 चक्र भी कहते हैं। केल्विन तथा उसके सहकर्मियों ने संपूर्ण पथ का पता लगाया कि कैसे कैसे CO2 का उपयोग होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। यह पथ एक चक्रीय क्रम में होता है जिसमें RUBP पुनः उत्पादित होता है। इनका कहने का मतलब है कि ये ऐसे पथ में बनता है, यानी CO2 RUBP से जुड़कर क्या बनाता है, फिर RUBP से जुड़ने के बाद जो मटेरियल बनाया, यौगिक बनाया, उससे 3PGA बनता है, तो फिर वो वापस RUBP में ही आ जाता है, मुक्त हो जाता है। केल्विन चक्र उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी चाहे C3 पौधा हो चाहे C4 पौधा हो, केल्विन चक्र दोनों में होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे वो C3 हो या चाहे C4, दोनों ही पौधों में, C3 और C4 दोनों ही पौधों में केल्विन चक्र पाया जाता है। केल्विन चक्र को आसानी से समझने के लिए इसको 3 चरणों कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रिजनरेशन में वर्णन करते हैं, ठीक है। ये आपका केल्विन चक्र है, तो पहले आप पढ़ लीजिए कि आखिर ये जो 3 चरण हैं कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रिजनरेशन, इसमें होता क्या है। सबसे पहला आता है कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले CO2 के यौगिकीकरण से एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण है जहां RUBP के कार्बोक्सिलीकरण के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। यह प्रतिक्रिया एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज के द्वारा उत्प्रेरित होती है। यानी CO2 सबसे पहले किससे जुड़ेगा, RUBP से, और किस एंजाइम की मदद से, RUBP कार्बोक्सिलेज, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, 3PGA बनता है, 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड के 2 अणु बनते हैं। चूंकि इस एंजाइम में एक ऑक्सीजनेशन क्षमता भी होती है अतः यह ज़्यादा उचित होगा कि हम इस एंजाइम को RUBP ना कह के RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहें, या इसे हम रुबिस्को भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रुबिस्को, याद कर लीजिए। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, 3PGA बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड RUBP से रिएक्ट करता है, RUBP रिडक्टेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से, या रुबिस्को एंजाइम की मदद से। विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम भी आपका रुबिस्को ही है, और रुबिस्को की मदद से CO2 RUBP से जुड़कर क्या बनाता है, 3PGA का निर्माण करता है। अब दूसरा चरण आता है RUBP से 3PGA के निर्माण के बाद, अपचयन। यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है, यानी जो 3PGA है, 3PGA से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, जो कि एक श्रृंखलाओं का, एक अभिक्रियाओं का एक श्रृंखला है। बहुत ज़्यादा श्रृंखलाएँ इसमें है, 3 पेज की मैंने बताया था ना, 3 पेज की श्रृंखलाएँ होती हैं, उतना आपको नहीं पढ़ना है, बस सीधे याद कर लीजिए कि अपचयन में ग्लूकोज बनता है। इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरीकरण हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग फास्फोरिलेशन के लिए तथा NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन हेतु होता है। तो पथ से ग्लूकोज के 1 अणु को बनने के लिए CO2 के 6 अणु लगते हैं, यौगिकरण तथा
छह अणुओं के यौगिकों का यौगिकीकरण तथा चक्रों की आवश्यकता होती है, यानी ग्लूकोज के एक अणु को बनने के लिए CO2 के कितने अणुओं का यौगिकीकरण अथवा चक्रण होता है? छह। अब आता है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। जो RUBP यूज हुआ था वो फिर से मुक्त होता है। यदि चक्र को बिना बाधा जारी रहना है तो CO2 ग्राही अणु जो RUBP है उसको भी मुक्त होना पड़ेगा, फिर से निर्माण यानी पुनरुद्भवन होना पड़ेगा। तो पुनरुद्भवन के चरण में RUBP गठन हेतु फास्फोरिलेशन के लिए एक ATP की आवश्यकता होती है, यानी RUBP फिर से बनने के लिए एक ATP उसमें ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए केल्विन चक्र में CO2 के प्रत्येक अणु का को प्रवेश के लिए ATP के तीन अणु, NADPH के दो अणु की आवश्यकता होती है। यानी केल्विन चक्र में CO2 के प्रत्येक अणु को प्रवेश करने के लिए ATP के तीन अणु, NADPH के दो अणु की आवश्यकता होती है। अब अप्रकाशीय अभिक्रिया में उपयोग होने वाले जो ATP हैं, NADP हैं, उनकी संख्याओं में यह अंतर ही चक्रीय फास्फोरिलेशन को संपन्न कराने का कारण है। यानी चक्रीय फास्फोरिलेशन को संपन्न कराने का कारण क्या है? ATP और NADPH की संख्या और बढ़े, क्योंकि कुछ ATP और ADP तो CO2 के ग्रहण करने में ही खर्च हो जा रहे हैं। अब इसके बाद जो आपका अप्रकाशीय अभिक्रिया होगा उसमें ATP और NADPH का जो प्रयोग होता है वो चक्रीय फास्फोरिलेशन के द्वारा ही आता है। ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए इस चक्र के छह चक्रों की आवश्यकता होती है, पढ़ चुके हैं आप। यह पता करें कि केल्विन पथ के माध्यम से ग्लूकोज के एक अणु की रचना के लिए कितने ATP और NADPH के अणुओं की आवश्यकता होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 CO2 अंदर आएंगे तब बनेगा एक ग्लूकोज। आपने रिएक्शन याद है ना, 6 CO2 प्लस 12H2O गिव C6H12O6। तो एक C6H12O6 के लिए कितने कार्बन लगे थे? 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और एक कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने के लिए कितने ATP की आवश्यकता पड़ रही है? 3। तो 3×6=18 ATP का प्रयोग होता है, और 2 NADPH, 6×12 NADPH का प्रयोग होता है। ठीक, C4 पथ। अब देखो, जैसे केल्विन चक्र था वैसे ही C4 पथ है, लेकिन C4 पथ किस में होता है? आपका C4 पौधों में। हैच एंड स्लैक चक्र भी इसी को कहते हैं। C4 पथ, जैसा कि पहले बताया गया कि पौधे जो शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं, C4 पथ। पौधों में CO2 का यौगिकरण का पहला उत्पाद क्या बनता है? OAA। C3 में बनता था 3PGA, इसमें क्या बनेगा? OAA, ऑक्सलोएस्टिक एसिड। फिर भी इनके मुख्य जैव संश्लेषण पथ C3 पथ अथवा केल्विन चक्र ही होता है, यानी इनमें भी जो मुख्य जैव संश्लेषण चक्र है वो C3 ही होता है। तब फिर ये C3 पौधों से किस प्रकार भिन्न है, आइए देख लीजिए। C3 C4 से कैसे भिन्न है अंतर? C4 पौधे विशिष्ट है क्योंकि इनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है, जिसे हम जो उच्च ताप को भी सह सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद कर लीजिए। C4 पौधों में उच्च ताप को सहने की क्षमता होती है। ये उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं, इनमें प्रकाश शोषण नहीं होता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, C4 पौधों में प्रकाश शोषण नहीं होता, उनमें जैव भार अधिक उत्पन्न होता है। किन में जैव भार अधिक उत्पन्न होता है, C3 या C4? तो क्या बताएंगे? C4। क्वेश्चन है 2017 का, कि प्रकाश संश्लेषण के दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार ऑप्शन में से एक कथन सही नहीं है, बताना है। वायुमंडलीय CO2 की सांद्रता 0.5 से बढ़ने पर CO2 स्थिरीकरण की दर बढ़ सकती है। तो CO2 की सांद्रता का प्रभाव तो पड़ता ही है, या आगे आपको बताया जाएगा। नहीं पड़े हो तो अभी इसको छोड़ो, आगे देखो। C3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, क्या ये सही बात है? C3 पौधे उच्च तापमान पर क्रिया करेंगे, C4 पौधे उच्च तापमान पर क्रिया करते हैं। उसका देखो उल्टा लिख दिए, कि जबकि C4 पादप अपेक्षाकृत कम तापमान पर काम करते हैं, तो गलत है ना। C4 उच्च ताप पर काम करते हैं, यानी यही ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट, C4 पथ पौधों के संवहन मंडल के चारों ओर स्थित वृहद कोशिकाएं जो आपका बंडल सीथ सेल्स कहलाती हैं, और पत्तियां जिनमें ऐसी शरीरी होती हैं उन्हें क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। क्रेंज एनाटॉमी किस में पाया जाता है, खूब पूछा जाता है। तो क्रेंज एनाटॉमी पाया जाता है C4 पौधों में। C4 पौधों में क्या खास बात होती है, उनके संवहन मंडल के चारों तरफ वृहद पुलाच्छद कोशिकाएं यानी बंडल सीथ सेल्स पाए जाते हैं, और जिन पत्तियों में बंडल सीथ सेल्स पाए जाते हैं वैसी संरचना वाली पत्तियों को क्रेंज एनाटॉमी वाली पत्तियां कहलाती हैं।
यहाँ करंज का अर्थ है छल्ला अथवा घेरा। चूंकि कोशिकाओं की व्यवस्था एक छल्ले के रूप में होती है, संवहन मंडल के चारों ओर पुलाच्छद कोशिकाएं घेरे होती हैं, ठीक है, के अनेकों परतें होती हैं। तो C4 पौधों में क्या होता है, संवहन मंडल के चारों तरफ पुलाच्छद कोशिका की अनेक परतें, बहुत अधिक जिनमें बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होता है, इसकी भित्ति मोटी होती है, गैस के लिए अपरवेश से होती है, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। ये आपका इम्पॉर्टेंट लाइन है कि संवहन मंडल के आसपास जो पुलाच्छद कोशिकाएं होती हैं उनकी अनेक परतें पाई जाती हैं, क्या खास बात है, इनमें अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जैसे आपने मीजोफिल में पढ़ा, मीजोफिल में ज़्यादा मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, वैसे इनमें भी क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इनकी भित्तियाँ मोटी होती हैं, गैस के लिए अप्रवेश होती हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। अब देखो इसके एग्जाम्पल बताइए, C4 पौधा है ना, तो C4 के पौधे का एग्जाम्पल क्या होगा, सारगासम, मक्का, गन्ना आदि। देखो AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, कैंज एनाटॉमी में पुलाच्छद कोशिकाओं में होते हैं, बताइए पुलाच्छद कोशिकाओं की विशेषता। अभी आपने पढ़ा है पुलाच्छद कोशिका की विशेषता क्या है, कि अनेक परतों के रूप में संवहन मंडलों के चारों तरफ छल्ले के रूप में पाई जाती हैं, इनकी भित्तियां मोटी होती हैं, इनमें अनेक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं, ढूंढ डालिए, पतली भित्तियां नहीं, मोटी भित्ति होती है, मोटी भित्तियां बड़ी संख्या में हरित लवक किंतु कोई अंतरा स्थान नहीं, यही आपका सही होगा, ठीक है, बड़ी संख्या में हरित लवक पाए जाते हैं किंतु कोई अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 2021 में पूछा गया है, सारगम में CO2 स्थिरीकरण में पहला उत्पाद, तो पहले पता करो कि सारगम होता क्या, C3 या C4, तो अभी बताया C4। C4 पौधों में CO2 का स्थिरीकरण में जो पहला उत्पाद क्या बनता है, 4 कार्बन वाला क्या बनता है, ऑक्सलोएस्टिक एसिड, ऑप्शन ए। अपने आसपास के विभिन्न स्पीसीज के पेड़ों को पत्तियां एकत्र करें, उनके पत्तियों की खड़ी काट लें, सूक्ष्मदर्शी से इसके संवहन मंडलों के आसपास पुलाच्छद को देखें, पुलाच्छद की उपस्थिति C4 पौधों को पहचानने में आपकी सहायता करेगा। ये मैं जानबूझ के लिखा हूँ कि पूछा जा सकता है आपसे कि C4 पौधों को पहचानने के लिए आसान तरीका क्या है, पुलाच्छद कोशिकाओं की उपस्थिति। अब देखें, कह रहे हैं चित्र में दिखाए गए पथ का अध्ययन करिए, इस पथ को हैच एंड स्लैक पथ कहते हैं। अब आता है आपका हैच एंड स्लैक चक्र, तो ये आप फिगर देख रहे हैं, ये है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैच एंड स्लैक चक्र। हैच एंड स्लैक चक्र सिर्फ C4 प्लांट में पाया जाता है, जिसमें दो प्रकार की पत्तियों में दो प्रकार की कोशिकाएं कार्य करती हैं, मीजोफिल सेल्स यानी पर्णमध्योतक कोशिका, बंडल सीड सेल यानी पुलाच्छद कोशिका। अब जैसा आपने पढ़ा कि C3 पौधों में प्रथम CO2 ग्राही कौन होता है, प्रथम CO2 ग्राही कौन होता है, RuBP, जो कि एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। C4 प्लांट में CO2 का प्रथम ग्राही कौन होता है, तो वो होता है PEP, फास्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि आपका 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब यहाँ पर देखिए, जो C4 पौधे हैं उनमें CO2 का फिक्सेशन और शुगर का फॉर्मेशन दो कोशिकाओं में सम्मिलित रूप से पूर्ण होता है। जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्रवेश करती है पत्ती के मेजोफिल सेल्स में और बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ये PEP के साथ जुड़कर क्या बनाती है, यहाँ पर फिक्सेशन है और बनाती है C4 एसिड, ऑक्सलोएसिटिक एसिड। ऑक्सलोएसिटिक एसिड के बाद अन्य प्रकार के भी 4 कार्बन वाले अम्ल का निर्माण होता है, ये अम्ल चले आते हैं बंडल सीड सेल में। बंडल सीड सेल में C4 एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और ये CO2 को मुक्त कर देती हैं और C3 एसिड मुक्त करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और C3 एसिड मुक्त करती हैं। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है वो किसके लिए चला जाता है, C3 साइकिल के लिए, C3 केल्विन चक्र, ये केल्विन साइकिल के लिए चला जाता है। मैंने आपको बताया था ना केल्विन साइकिल C3 और C4 दोनों में होता है। अब C3 में पहला
जो सीरोटोग्राही होता है RUBP उसकी मदद से बनता है 3PGA, 3PGA से कार्बोक्सीलेशन रीजन रिडक्शन और रीजनरेशन के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण होता है केल्विन साइकिल में। अब बस एक अंतर केवल यहाँ पर और है C4 पौधों में कि इनमें जो प्रथम ग्राही होता है PEP होता है, इनमें जो C4 एसिड बनता है वो पुलाच्छद कोशिका में आता है। देखो C3 में सब कुछ मेजोफिल कोशिका में ही होता है, लेकिन C4 में एसिड केल्विन साइकिल कहाँ होता है, केल्विन साइकिल होता है बंडल सीथ सेल में, और जो C3 एसिड है वो फिर से चला जाता है मेसोफिल सेल में PEP के पुनर्निर्माण के लिए, रीजनरेशन के लिए। यहाँ सबसे खूब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सारे के सारे आप डाउट क्लियर रखेंगे। पहला, C3 में जो CO2 ग्राही था RUBP था, RUBP से रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, रूबिस्को कहाँ पाया जाता है, मेसोफिल सेल्स में, ठीक है, बंडल सीथ सेल्स में रूबिस्को नहीं पाया जाता। रूबिस्को RUBP CO2 से जुड़ कर क्या बनाता है, 3PGA। अच्छा एक चीज़ आप लोग को शायद भूल गया है, ये वाला फिगर कहे थे बाद में समझाएंगे, देख लीजिए इसको भी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, राइबुलोज 1,5-फॉस्फेट, राइबुलोज 1,5-बाईफॉस्फेट यानी RUBP CO2 के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सीलेशन करता है जिससे बनता है 3PGA, 3PGA बनता है, कार्बोक्सीलेशन मतलब कार्बन का स्थिरीकरण होता है, 3PGA बनता है। फिर होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन में साफ साफ लिखा गया है कि इसमें ATP का प्रयोग किया जाता है, ATP का प्रयोग किया जाता है जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज यानी सुक्रोज या स्टार्च का निर्माण होता है, और फिर से इनका रीजनरेशन होता है, किसका रीजनरेशन, RUBP का रीजनरेशन होता है, इसमें भी ATP खर्च होती है। तो ये था आपका केल्विन साइकिल, तो सेम वैसे भी केल्विन साइकिल यहाँ पर बंडल सीथ सेल में होता है, ठीक, इनके बारे में सब कुछ आपने जान लिया। अब देखिए इस यौगिक के कारण को PEP कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम, अब यहाँ पर देख लो पहले, जैसे 3PGA को कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ने में कौन एंजाइम मदद करता है, रूबिस्को, वैसे यहाँ पर CO2 को PEP से प्रथम ग्राही एक्सेप्टर से जुड़ने में कौन मदद करता है, PEP कार्बोक्सीलेज एंजाइम, कार्बोक्सीलेज एंजाइम जिसे PEP केज भी कहते हैं, PEP केज भी कहते हैं। तो इस यौगिकीकरण को PEP कार्बोक्सीलेज अथवा PEP केज नामक एंजाइम संपन्न करता है, परमध्योतक कोशिकाओं में रूबिस्को एंजाइम नहीं होते हैं, परमध्योतक, हाँ वही तो बताएं कि परमध्योतक कोशिकाओं में रूबिस्को एंजाइम नहीं होता। रूबिस्को एंजाइम कहाँ होता है, केल्विन साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है, परमध्योतक बंडल सीथ सेल में, C4 अम्ल परमध्योतक कोशिका में निर्मित होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया नीट 2017 में, निम्नलिखित में से किसमें फास्फोइनोल पाइरुवेट PEP एक प्राथमिक CO2 ग्राही है, तो PEP किसका CO2 ग्राही है, C4 पौधों का। अगर यहीं पर पूछा जाता कि निम्नलिखित में से किसमें RUBP एक प्राथमिक CO2 ग्राही है, तब क्या बताते हैं, C3 पौधे में। अच्छा यहाँ पर भी क्वेश्चन और बन सकते हैं कि फास्फोइनोल पाइरुवेट का प्राथमिक फास्फेनोल पाइरुवेट का CO2 ग्राही के साथ जुड़ने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो क्या बताएंगे, PEP कार्बोक्सिलेज। इसके बाद ये परमध्योतक कोशिका में अन्य चार कार्बन वाले, अब देखो हुआ क्या, परमध्योतक कोशिका यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से PEP जुड़ा, बना C4 एसिड, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। अब इसके बाद अन्य एसिटिक बने, चार कार्बन वाले अन्य अम्ल जैसे मैलिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, ये सभी बनते हैं जो कि पुलाच्छद कोशिका में चले जाते हैं। अब देखो मेसोफिल सेल से ये कहाँ चले जाएंगे, बंडल सीथ सेल यानी पुलाच्छद कोशिका में C4 अम्ल चले जाते हैं। अब C4 अम्ल का क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा। अब देखो इनमें डिकार्बोक्सिलेशन होता है जिससे CO2 मुक्त होती है तथा एक कार्बन तीन कार्बन अणु मुक्त होता है। तीन कार्बन अणु कहाँ चला जाता है, फिर से मेसोफिल सेल में। तीन कार्बन अणु पुनः मेसोफिल सेल्स में यानी परमध्योतक में वापस आ जाता है जिससे पुनः PEP का निर्माण होता है।
अब जो पुराच्छद कोशिका है बंडल सीड सेल, जिसमें कहाँ क्या पहुँचा है, CO2 पहुँचा है, वो केल्विन साइकिल के लिए चली जाएगी। CO2 केल्विन पथ में प्रवेश करती है। केल्विन निपथ एक ऐसा पथ है जो सभी पौधों में समान रूप से पाया जाता है, चाहे C3 हो चाहे C4। अंतर क्या है, C3 में केल्विन चक्र कहाँ होता है, मीजोफिल सेल में, परमोद्योतक में, लेकिन ये कहाँ होता है, C4 में पुलाच्छद कोशिका में। पुलाच्छद कोशिका रूबिस्को से भरपूर होती है। C4 पौधों में, C4 पौधों में रूबिस्को एंजाइम कहाँ होता है, पुलाच्छद कोशिका में। कहाँ नहीं होता है, परमध्योतक कोशिका में, मीजोफिल सेल में। C3 पौधों में रूबिस्को एंजाइम कहाँ होता है, परमध्योतक में। देखो उल्टा है, C3 में रूबिस्को एंजाइम कहाँ पाया था, परमध्योतक में, इसमें परमध्योतक में नहीं पाया जाता। C4 में कहाँ पाया जाता है, पुलाच्छद कोशिका बंडल सीड सेल में पाया जाता है, इसीलिए तो केल्विन साइकिल यहाँ पर हो रहा है। परंतु पीपी केस से रहित होता है, यानी पुलाच्छद कोशिका में पीपी केस यानी पीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम नहीं पाया जाता। पीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहाँ पाया जाएगा, मीजोफिल में, जहाँ पर उसकी जरूरत है। अतः मौलिक पथ केल्विन पथ जिसके परिणाम स्वरूप शर्करा बनती है, वो C3 और C4 पौधों में सामान्य रूप से पाई जाती है, लेकिन अंतर क्या है, C3 में मीजोफिल में, C4 में बंडल सीड सेल में। क्या आपने ध्यान दिया कि केल्विन पथ सभी C3 पौधों के परमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी C3 पौधों की परमध्योतक में पाया जाता है। C4 में परमध्योतक कोशिकाओं में संपन्न नहीं होता, कहाँ होता है, पुलाच्छद कोशिकाओं में। वही तो चिल्ला चिल्ला के तुमसे आपसे बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन, यह एक व्यर्थ प्रक्रिया है। क्या है, व्यर्थ प्रक्रिया, जिसका अभी कोई हमें पता नहीं चल पाया कि क्या महत्व है इसका। ये केवल और केवल C3 में पाया जाता है, C4 पौधों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। अब देखो मैंने क्या बताया, व्यर्थ प्रक्रिया है, इसमें एटीपी भी खर्च होती है, अब एटीपी ऊर्जा भी खर्च हो रही है, यही सब कारण है। आप देखो गन्ने में कितना ज़्यादा शुगर होता है, आप मक्का देख लो तो मक्के में कितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी मक्का में ही पाया जाता है। मक्का, गन्ना, इन सब में उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, इसीलिए होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, व्यर्थ ऊर्जा प्रकाश श्वसन वगैरह में नहीं खर्च होती, सी थ्री में व्यर्थ ऊर्जा प्रकाश श्वसन वगैरह में खर्च हो जाती है, इसी की वजह से इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। आइए हम एक और प्रक्रिया प्रकाश श्वसन को जानने का प्रयत्न करें, जो C3 और C4 पौधों में महत्वपूर्ण अंतर करती है। C3 में पाई जाती है, C4 में नहीं पाई जाती। प्रकाश श्वसन समझने के लिए हमें केल्विन पथ के प्रथम चरण, जहां पर CO2 के स्थिरीकरण के पहले चरण के विषय में कुछ अधिक जानकारी करनी होगी। यह भी अभिक्रिया है जहां RuBP कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजित होकर 3PGA के दो अणु का निर्माण करता है, जिसमें रूबिस्को एंजाइम भाग लेता है। तो ये पहला चरण था C3 पौधे में। आपने देखा था कि RuBP कार्बन डाइऑक्साइड से प्रथम ग्राही के रूप में अटैच होता है और 3PGA बनाता है रूबिस्को एंजाइम की मदद से। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि रूबिस्को एंजाइम विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम होता है, क्योंकि सभी पत्तियों की कोशिकाओं में पाया जा रहा है इसी वजह से। और इसका कारण, इसका यह गुण है कि इसकी सक्रिय जगह CO2 एवं O2 दोनों से बंधित हो सकता है। देखो रूबिस्को एंजाइम CO2 हो चाहे O2, इन दोनों से बंधित हो सकता है। अगर ज़्यादा, अगर आपसे पूछा जाए कि रूबिस्को एंजाइम की एफिनिटी किससे ज़्यादा होती है जुड़ने की, CO2 से या O2 से, तो क्या बताओगे, CO2 से जुड़ने की ज़्यादा होती है, लेकिन जुड़ दोनों के साथ सकता है, पर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इनसे जुड़ेगा, अगर इनका कंसंट्रेशन कम है, इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इनसे जुड़ेगा, इसलिए इसे रूबिस्को कहते हैं। जब CO2 व O2 का अनुपात लगभग समान होता है, रूबिस्को में O2 की अपेक्षा CO2 के लिए अधिक बंधुता होती है, यानी जब O2 और CO2 ज़्यादा है, समान है, जब CO2 और O2 समान है तो रूबिस्को किससे जुड़ेगा, दोनों समान है तो एफिनिटी किससे ज़्यादा है, CO2 से, तो CO2 से जुड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर इनके कॉन्सेंट्रेशन में कोई अंतर होता है तो जो जिसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उसी से जुड़ेगा। कल्पना कीजिए कि यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, या अबंधता प्रतियोगितात्मक होता। O2 और CO2 इनमें से कौन आबंध होगा या उनकी सापेक्ष सांद्रता पर निर्भर करती है, जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसी से जुड़ेगा। C3 पौधों में कुछ O2 रूबिस्को से संबंधित होती हैं, C3 पौधों में कुछ O2 किससे संबंधित होती है, रूबिस्को से, जबकि होना किससे चाहिए, CO2 से। अतः CO2 का यौगिकीकरण कम हो जाता है। अब चूंकि रूबिस्को जो एंजाइम है वो CO2 का यौगिकीकरण के लिए है, अब जब O2 के साथ बंधित हो जाएगा तो CO2 की यौगिकीकरण कम हो जाएगा। यहाँ पर RuBP 3PGA के अणु में परिवर्तित होने के बजाय ऑक्सीजन से संयोजित होकर चक्र में एक फास्फोग्लाइसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाते हैं, जिसे प्रकाश श्वसन कहते हैं, इसी को प्रकाश श्वसन कहते हैं। प्रकाश श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन से कौन संयोजित कर लेता है, RuBP।
आपने इससे पहले क्या पढ़ा है, C3 चक्र में RuBP CO2 से सन्निहित करके क्या बनाता है, 3PGA। लेकिन प्रकाश श्वसन में कुछ RuBIS को किससे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन से। तो RuBP ऑक्सीजन से संयोजित होकर फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट बनाते हैं, यह प्रकाश श्वसन है। अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश श्वसन का उत्पाद बताइए तो क्या बताएंगे, फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट। क्वेश्चन बना के नोट कर लीजिए। प्रकाश श्वसन पथ में शर्करा और ATP का संश्लेषण नहीं होता, तो इसीलिए तो इसे व्यर्थ मैंने कहा है। प्रकाश श्वसन में किसी भी ATP और NADP का प्रयोग संश्लेषण नहीं होता, बल्कि ऊर्जा खर्च होती है, ATP का प्रयोग होता है, बल्कि इसमें ATP के उपयोग के साथ CO2 भी निकलती है। तो प्रकाश श्वसन पथ में ATP तथा NADPH का संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश श्वसन के जैविक कार्य के बारे में अभी हमें कोई भी पता नहीं है। C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश श्वसन होता ही नहीं, प्रकाश श्वसन फोटो रिस्पायरेशन C4 में होता ही नहीं है, इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे। इसका कारण यह है कि इनमें एक ऐसी प्रणाली का विकास होता है जो एंजाइम स्तर पर CO2 की सांद्रता बढ़ाती है। CO2 की सांद्रता कम हो जाए तब प्रकाश श्वसन होगा। CO2 की सांद्रता कम है भाई, सांद्रता कम है तभी तो प्रकाश श्वसन ज़्यादा होगा, प्रकाश श्वसन तभी ज़्यादा होगा। क्योंकि मैंने बताया था प्रकाश श्वसन कब ज़्यादा होगा, जब CO2 कम होगा, यानी O2 की मात्रा ज़्यादा, जब O2 की मात्रा ज़्यादा होगी तो रूबिस को उससे जुड़ेगा। तो ऐसा इसमें नहीं होता, C4 पौधों में कभी भी CO2 का सांद्रता कम ही नहीं होता, क्योंकि इनमें एक ऐसी एंजाइमेटिक प्रक्रिया होती है जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए रखती है। ऐसा तब होता है जब परमाद्योतक के C4 अम्ल पुलाच्छद में टूटकर CO2 को मुक्त करता है, जिसके परिणामस्वरूप CO2 की अंतरकोशिकीय सांद्रता बढ़ जाती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि रूबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है, जिससे इसके ऑक्सीजनेज के कार्य में क्षमता कम हो जाती है। निम्न में से वह कौन प्रक्रिया जो C3 और C4 पौधों में मध्यम रूप से विभेद करती है, नीट 2016 पूछा हुआ है। C3 और C4 पौधों में अंतर तो क्या होता है, केल्विन चक्र तो दोनों में पाया जाता है, प्रकाश श्वसन C4 में नहीं पाया जाता, यही ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, अब आप जानते हैं कि C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता, अतः संभवतः आप समझ गए होंगे कि इन पौधों में उत्पादकता और उत्पादन क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इनमें व्यर्थ ऊर्जा खर्च नहीं होती। इसके अतिरिक्त ये पौधे उच्च ताप को भी सहन कर सकते हैं। उपर्युक्त परिचर्चा के आधार पर क्या आप उन पौधों की तुलना कर सकते हो जिसमें C3 और C4 पथ होता है। अब देखो ये तालिका दी गई है, आप अपने NCERT में ओपन करिए, NCERT को फिल करिए। देखिए इसमें पहला कह रहे हैं सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस, कह रहे हैं आप C3 और C4 के उस सेल को बताइए जिसमें केल्विन साइकिल होता है। C3 में कहाँ होता है केल्विन साइकिल, मीजोफिल में, तो किस में होता है, मीजोफिल में। और C4 में कहाँ होता है, बंडल सीज सेल में, बंडल सीज सेल में। सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन अकर, कह रहे हैं कि सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन अकर, इनिशियल कार्बोक्सीलेशन यानी कार्बन का फिक्सेशन किस में होता है, C3 पौधों में मीजोफिल सेल्स में, C4 में भी तो मीजोफिल में ही तो होता है, याद करिए CO2 किससे जुड़ता है, PEP से, कहाँ पर, मीजोफिल में, तो दोनों के लिए मीजोफिल होगा। हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ दैट फिक्स CO2, कितने लीव्स काम करते हैं, कितने सेल्स काम करते हैं किसके फिक्स, CO2 की फिक्सेशन के लिए, C3 और C4 में। तो C3 में केवल एक ही सेल काम करता है, मीजोफिल 1, और इसमें आपके दो सेल्स काम करते हैं, मीजोफिल और बंडल सीट, विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। C3 में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होगा, RuBP, इसमें कौन होगा, PEP। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर में नंबर ऑफ कार्बन एटम RuBP में कितना होता है, 5 कार्बन, PEP में 3 कार्बन। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, 3PGA बनता है इसमें, यानी PGA इसमें बनता है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड इसमें बनता है। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, यानी PGA और OAA में कितना कार्बन होता है, तो PGA में 3 होता है, OAA में 4 होता है। डज द प्लांट हैव रूबिस्को, रूबिस्को किस में पाया जाता है, तो C3 C4 दोनों में पाया जाता है, तभी तो आपका केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। डज द प्लांट हैव PEP केज, तो PEP केज से क्या बनता है, C4 एसिड, तो C4 में पाया जाएगा, C3 में नहीं, तो C3 में नो और C4 में यस। विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को,
विच सेल्स इन द प्लांट हैव रूबिस्को, रूबिस्को कहाँ पर होता है C3 और C4 में? तो C3 में होता है मीजोफिल में, और C4 में कहाँ होता है? रूबिस्को कहाँ काम आएगा? केल्विन साइकिल में, तो केल्विन साइकिल कहाँ होता है? बंडल सी सेल में। तो इनमें होगा, यहाँ पर एस एस लिखा है, इसको काट दीजिए, यहाँ पर लिखो मीजोफिल सेल में और यहाँ पर होता है बंडल सी सेल में। समझ जाते हैं, लाइट चली जाने की वजह से सब कुछ डिलीट हो गया है। आप लोग बैक करके इसको नोट कर लीजिएगा, जो जो मैंने आपको बताया यहाँ तक पहुँचे थे कि वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटीज। तो लो लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में ATP का निर्माण। तो यहाँ पर भी निग्लेजिबल होगा, यहाँ पर भी निग्लेजिबल। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई होगा। और चूँकि फोटो रेस्पिरेशन की बात की गई है, प्रकाश श्वसन की बात की गई है, तो प्रकाश श्वसन C4 पौधों में नहीं पाया जाता, इसलिए क्या लिखेंगे? नेग्लेजिबल। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन जब लो होता है तभी फोटो रेस्पिरेशन होता ही है, यानी हाई होगा, हाई होगा। और चूँकि फोटो रेस्पिरेशन C4 में नहीं पाया जाता, यानी यहाँ पर निग्लेजिबल लिखेंगे। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन पर फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, यानी यहाँ पर भी निग्लेजिबल, यहाँ पर भी निग्लेजिबल होगा। अब पूछ रहे हैं एग्जाम्पल्स, C3 के और C4 के एग्जाम्पल्स। अच्छा, टेम्परेचर ऑप्टिमम पूछ रहे हैं, टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए होगा 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उच्च तापमान पर CO4 कार्य करते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके क्लोरेला, टोमेटो, वीट, राइस, पोटैटो। इसके एग्जाम्पल है मेज, सुगर केन, सारगम। ठीक है, अब आता है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, प्रकाश है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है और तापमान है। ये चारों चीज़ इम्पॉर्टेंट होते हैं, चारों चीज़ों का अपना अलग अलग महत्व है। इसीलिए किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन, किसी के भी कमी होने पर, ज़्यादा होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर पौधों एवं फसली पौधों के उत्पादन में जानने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण कई कारकों से प्रभावित होता है, जो बाह्य भी हो सकते हैं और आंतरिक भी हो सकते हैं। पादप कारकों में किसकी संख्या, पादप कारकों में संख्या, आकृति, आयु तथा पत्तियों का विन्यास, पत्तियों की संख्या, उसमें उपस्थित पर्णहरिम की संख्या, आकृति, उसकी आयु तथा पत्तियों का विन्यास, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं तथा क्लोरोप्लास्ट, आंतरिक CO2 की सांद्रता, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पर निर्भर करता है। पत्ती की संख्या होगी, पत्ती की संख्या, आकृति, आयु, पत्तियों का पर्ण विन्यास, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं यानी मेसोफिल सेल्स पाई जा रही है नहीं पाई जा रही, उनमें उपस्थित क्लोरोप्लास्ट की संख्या, आंतरिक CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, क्लोरोफिल की मात्रा आदि हैं। पादप तथा आंतरिक कारक पौधे की वृद्धि तथा आनुवंशिक पुराणकाल पर निर्भर करते हैं। बाह्य कारक के रूप में क्या है? सूर्य का प्रकाश, तापमान, CO2 की सांद्रता, ये बाह्य कारक है, और जल भी है। ठीक, पादप की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय में साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं। इसको मतलब समझिएगा, एक समय में साथ साथ प्रभाव डालते हैं, यानी उच्च प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जो भी C3 के लिए 20 से 25, C4 के लिए 30 से 40 चाहिए। सूर्य का प्रकाश उचित चाहिए, यानी इंटेंसिटी ठीक ठाक होनी चाहिए, ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी चाहिए। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन भी ऑप्टिमम चाहिए, जिस पर फोटोसिंथेसिस हाई हो। जल की मात्रा भी ऑप्टिमम चाहिए, जिस पर आपका, यानी ये सभी एक सामान्य स्थिति में होने चाहिए। इनमें से जो भी कम होगा या कोई भी ज़्यादा होगा, वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। ध्यान से समझिएगा, मान लो कि प्रकाश, अभी प्रकाश सामान्य है, ताप सामान्य है, CO2 सामान्य है, जल की कमी है। तो जल की कमी है तो ये क्या करेगा? लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा। यहाँ पर इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लिमिटिंग फैक्टर को सीमांत कारक, सीमांत कारक कहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ब्लैकमैन ने बताया था लिमिटिंग फैक्टर के बारे में, सीमांत कारक के बारे में।
यानी जिनमें से किसी भी चीज़ों का कंसंट्रेशन या उसकी उपलब्धि कम होती है तो वही उसका सीमांत कारक बन जाता है। मान लो किसी समय में प्रकाश सामान्य, ताप सामान्य, CO2 की सांद्रता सामान्य, जल की मात्रा कम हो गई तो जल सीमांत कारक का काम करेगा। मान लो कि जल सही है, CO2 सही है, प्रकाश सही है, तापमान बढ़ गया तो उस समय तापमान लिमिटिंग फैक्टर सीमांत कारक का काम करेगा। यद्यपि बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण तथा CO2 के सहयोगी को प्रभावित करते हैं, फिर भी प्रायः इनमें से कोई भी एक कारक इस दर को प्रभावित अथवा सीमित करने का मुख्य कारण बन जाता है। अतः किसी भी समय पर उपानुकूलतम स्तर पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होगा। अब यहाँ पर देखिए एक फिगर दिए गए हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि दो ग्राफ बनाया गया, एक लाइट इंटेंसिटी का और दूसरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। कह रहे हैं हम इतनी लाइट इंटेंसिटी दिए हैं, इतनी लाइट इंटेंसिटी दिए हैं, तो बताइए इतनी लाइट इंटेंसिटी पर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा। तो शुरुआत में फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा 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 और जब और उस स्तर पर उच्चतम होगा जहां पर लाइट इंटेंसिटी आपका मैक्सिमम दी गई है। बस इतने तक फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, उसके बाद फोटोसिंथेसिस की दर सामान्य हो जाएगी, वही अपना कंटिन्यू बनता रहेगा। इसके ऊपर फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई जाए। अगर लाइट की इंटेंसिटी हमने मान लो यहाँ पर ई दिया गया है, हम मान लेते हैं एफ हो गया, तो ये फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। अगर और हम लाइट इंटेंसिटी देते हैं तो फोटोसिंथेसिस और बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ जो भी आवश्यक चीज़ें चाहिए, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन वो भी बढ़ना चाहिए, ताप वो भी अपना ऑप्टिमम होना चाहिए, प्रकाश दे ही रहे हैं, ठीक है। तो जितना आप दोगे उतने तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, उसके अगर ऊपर आपको बढ़ाना है तो CO2 भी बढ़ाना होगा, फिर आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। जब अनेक कारक किसी जैव रासायनिक क्रिया को प्रभावित करते हैं तो ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर काम करता है। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो इसकी दर का निर्धारण उस समीपस्थ कारक द्वारा होगा जो न्यूनतम वाला होता है। यानी मान लो कि मैंने बताया ना कि CO2 सामान्य है जितना चाहिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई के लिए, और प्रकाश सामान्य है, ठीक है, उसके बाद आपका ताप सामान्य है, ठीक, जल की मात्रा कम हो गई, जल कम हो गया तो जल क्या होगा सीमांत कारक का काम करेगा। मान लो जल भी सामान्य है, अब उसके बाद प्रकाश कम हो गया, तो प्रकाश कम हो गया तो प्रकाश सीमांत कारक का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस को एक स्थिर करने में काम करेगा। यानी सबको फोटोसिंथेसिस बढ़ाने के लिए सबको बढ़ना होगा, फोटोसिंथेसिस को कम करने के लिए सबको इनमें से किसी एक को कम होना होगा, सॉरी सबको कम होना होगा, और स्थिर रखने के लिए किसी एक को कम होना होगा। ये थोड़ा सा पेचीदा है, डिटेल आपको वहाँ पर बताया है नॉर्मल वाले चैप्टर में, और यहाँ पर भी कुछ है नहीं अगर आप समझना चाहो तो। कहने का मतलब ये है कि जैसे, चलो हम एक बार समझाते हैं, मान लो कि कह रहे हैं कि 4 क्वांटा एनर्जी चाहिए एक CO2 के फिक्सेशन के लिए, ठीक है, तो 4 क्वांटा हमने किसी प्लांट को दे दिया, किसी पौधे को 4 क्वांटा एनर्जी दे दिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, अब इससे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, एक ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने उसको लाइट दी थी, उसका फिक्सेशन हो गया, अब इससे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इससे अधिक प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब हम लाइट और बढ़ाएंगे। हम चाहे मान लो CO2 बढ़ा दें, 2 CO2 कर दें, हम क्वांटा एनर्जी सिर्फ 4 ही देंगे, तो क्या और CO2 का फिक्सेशन होगा? नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ाए हैं तो हमें एनर्जी भी बढ़ानी होगी, लाइट इंटेंसिटी भी 4 से 8 क्वांटा करनी पड़ेगी, तब ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और बढ़ेगा। अब मान लो हमने इसको दे दिया 4 CO2 दे दिया और हमने एनर्जी 8 क्वांटा ही दी, तो क्या फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया? प्रकाश। प्रकाश लिमिटिंग फैक्टर का काम कर रहा, CO2 तो अधिक है कोई बात नहीं, लेकिन प्रकाश लिमिटेड है, इसलिए ये लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा। अब 4 CO2 का और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण बढ़ाना है तो इसके अकॉर्डिंग हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे 8 की जगह पे हमने 12 दे दिया, 12 क्वांटा दे दिया, 4 CO2 है तो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि
तीन CO2 के लिए 12 चाहिए, चार के लिए 16 चाहिए। जब हम 16 क्वांटा एनर्जी देंगे तब चारों CO2 का फिक्सेशन हो जाएगा और प्रकाश संश्लेषण हाई हो जाएगा, अपने लेवल पे होगा, टॉप लेवल पे होगा। ठीक, अब मान लो कि हम इसको 20 क्वांटा एनर्जी दे दें लेकिन CO2 चार ही दें, तो 20 क्वांटा एनर्जी दो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, चार ही तो हैं, आपने क्वांटा एनर्जी तो बढ़ाई लेकिन CO2 नहीं बढ़ाया, तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। अब ये तभी बढ़ेगा जब 20 क्वांटा आपने एनर्जी दी है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक और CO2 बढ़ाना होगा, जब CO2 आप बढ़ाओगे तब ये जाकर और बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस। यानी उस समय कौन कार्य कर रहा था, CO2 लिमिटिंग फैक्टर का काम करने लगा। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक है, समझ लेंगे तो हो जाएगा। अब आता प्रकाश, तो जब हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लेते हैं तो हमें प्रकाश की गुणवत्ता भी, प्रकाश की तीव्रता, उसका ताप, उसका दीप्तिकाल, इनके बीच अंतर करने की आवश्यकता होती है। यानी प्रकाश की गुणवत्ता अच्छी हो, प्रकाश की तीव्रता ठीक ठाक हो, उसकी दीप्तिकाल, दीप्तिकाल का मतलब कितने देर तक वो पड़ रहा है, 2 घंटे 4 घंटे धूप मिल रही है उस पर, यहाँ कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश CO2 के यौगीकरण की दर के बीच एक रेखीय संबंध है। उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर इस दर में कोई वृद्धि नहीं होती है जब तक CO2 नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अन्य कारक सीमित हो जाता है। मैंने बताया ना अन्य कारक कौन सीमित हो गया, CO2। तो जब CO2 को भी बढ़ा दोगे, लाइट को बढ़ा दोगे तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाएगा, लेकिन आप सिर्फ प्रकाश को बढ़ाओगे और CO2 कम है तो कारक सीमित है ना, तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि प्रकाश संतृप्ति पूर्ण प्रकाश के 10% पर होती है, यानी जितना भी प्रकाश है उसके 10% पर ही पूर्ण संतृप्ति पाई जाती है। छाया अथवा सघन जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर प्रकाश शायद ही प्रकृति में सीमाकारी कारक हो, यानी प्रकाश लगभग किसी के लिए भी सीमाकारी नहीं होता, सिर्फ उन पौधों के लिए जो छायादार होते हैं, क्योंकि प्रकाश तो पड़ना ही पड़ना है, तो इसलिए वो सीमाकारी कारक कम ही होता है। एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण भी होती है, यानी दीप्तिकालता भी महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादा प्रकाश, लंबे समय तक प्रकाश पड़ना भी विघटन का कारण होती है पढ़ के, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। अब आइए CO2 का सांद्रता देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख सीमाकारी कारक है, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होनी जरूरी है, अगर सांद्रता कम है तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होगी। वायुमंडल की CO2 की सांद्रता बहुत ही कम, यानी 0.03 या 0.04% के बीच होता है। CO2 की सांद्रता में 0.05% तक की वृद्धि के कारण CO2 की यौगीकरण दर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे अधिक की मात्रा लंबे समय तक के लिए क्षतिकारक बन सकता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, अभी देखिए नीट में पूछा गया था एक बार। C3 एवं C4 पौधे CO2 की सांद्रता में भिन्न अनुक्रिया करते हैं। निम्न प्रकाश स्थितियों में दोनों में से कोई भी समूह उच्च CO2 सांद्रता के प्रति अनुक्रिया नहीं करते। अगर निम्न प्रकाश स्थिति है तो चाहे उच्च CO2 हो अनुक्रिया नहीं करेंगे। उच्च प्रकाश तीव्रता में C3 और C4 दोनों ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की बड़ी दर अधिक हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि C4 पौधे जो होते हैं लगभग 360 माइक्रोलीटर पर संतृप्त हो जाते हैं, इससे अधिक उन्हें CO2 कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए, जबकि C3 बढ़ी हुई CO2 सांद्रता पर अनुक्रिया करता है, अर्थात इसका जो संतृप्तवन होता है वो होता है 450 माइक्रोलीटर के बाद ही दिखाई देता है। अतः उपलब्ध CO2 और C3 CO2 का स्तर C3 पौधों के लिए सीमाकारी है। सच यह है कि C3 पौधे उच्चतर CO2 सांद्रता में अनुक्रिया करते हैं, याद कर लीजिए C3 पौधे उच्चतर CO2 सांद्रता में अनुक्रिया करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण के दर में वृद्धि करते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक होता है। और सिद्धांत का उपयोग ग्रीन हाउस फसलों जैसे टमाटर एवं बेल मिर्च में किया गया है। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि उच्च पैदावार प्राप्त हो। अब आता है ताप। अप्रकाशीय अभिक्रिया एंजाइम पर निर्भर करती है और एंजाइम एक अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं। अधिक तापमान पर भी वे नष्ट हो जाएंगे और कम तापमान पर वे निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए ताप द्वारा नियंत्रित होते हैं। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया भी ताप संवेदी होती है लेकिन उस पर ताप का काफ़ी कम प्रभाव होता है। C4 पौधे उच्च ताप पर क्रिया करते हैं, अतः उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर भी ऊँची होती है, जबकि C3 पौधों के लिए इष्टतम ताप चाहिए होता है। विभिन्न पौधों के संप्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम ताप उनके अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए इष्टतम ताप उच्च होता है, समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले पौधों के लिए अपेक्षाकृत कम ताप की आवश्यकता होती है। अब आता है आपका जल। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण अवकारक है, लेकिन सिर्फ प्रकाश संश्लेषण में ही जल का प्रयोग नहीं होता, पौधे के अन्य भी कार्य हैं जिनमें जल की आवश्यकता पड़ती है।
तो प्रभाव पूरे पौधे पर पड़ता है, जल का प्रभाव पूरे पौधों पर पड़ता है, ना कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। जल तनाव रंध्र को बंद कर देता है, जिससे CO2 का आवागमन भी घट सकता है। इसके साथ ही जल तनाव से पत्तियां भी मुरझा जाती हैं, जिससे ताप पत्ती के क्षेत्रफल कम हो जाता है, और इसके साथ ही साथ उपापचयी क्रियाएं भी कम हो जाती हैं। बस ये था आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया है, और आप इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपको जल्द ही बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायो जिंदगी साथ। धन्यवाद।